एकम के असली कार्यकर्ता कौन? जी हाँ, जब से एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक एकम के प्रति निष्ठापूर्ण तरीके से अपना तन मन धन और सर्वस्व निछावर करने वाले वो कार्यकर्ता कौन है और उन्होंने क्या क्या कार्य एकम के लिए किया है, इसके विषय में आपको बताएंगे कमल रावत जी। कमल रावत जी का इंटरव्यू विशाल व्यू ने लिया है, आप ये पूरा वीडियो देखिए, आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि एकम के असली कार्यकर्ता कौन रहे हैं। बहुत स्वागत है। नमस्ते विशाल जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। विशाल जी जी सभी को नमस्कार। और बस कमल जी, आज थोड़ा सा माहौल बिल्कुल बदल गया है, सब शुरुआत तो इसी से करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? जब पार्टी में थे आप तो शायद आपको पूर्व सचिव कहना ठीक रहेगा। बहुत हल्का फील कर रहा हूँ विशाल भाई, और हल्का इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक पद था, तो पद होता है तो अपने लिए इंसान को डर नहीं होता, लेकिन ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पद की गरिमा को हम अपने किसी वाक्य से ठेस पहुंचा दें। तो अब क्योंकि मेरे ऊपर पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अब मैं खुल के बोल सकता हूं, तो जो भी होगा, मतलब आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका एकदम खुल के जवाब दूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करूंगा, वैसे पहले भी मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होता नहीं था, लेकिन पहले क्या था कि एक पद रहता है तो मन में थोड़ा डर रहता है कि कहीं कोई हम ऐसी बात ना बोल दें जिससे पार्टी एज ए होल को कोई ठेस पहुंच जाए। पर आपको मालूम है कि पद से मैं इस्तीफा दे चुका हूं, पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे चुका हूं, 11 अगस्त को ये इस्तीफा मैंने दिया था, तो अब एक तरह से मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन क्योंकि उन लोग, क्योंकि पार्टी में एक साल डेढ़ साल हमने काम किया है, अंकुर जी से मैं पहली बार जब मिला था तो 2022 में अगस्त में मिला था, ये मधुकिश्वर जी का जो ऑफिस है दिल्ली में उसमें मुलाकात हुई थी, देश भर से आई थिंक 12 या 13 लोग थे उस मीटिंग में, और उस समय जो भी बातें हुई थी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, और संदीप जी ने ही मुझे मिलाया था। उसके बाद पार्टी का गठन हुआ, पार्टी का जब गठन हुआ तो उस समय मैं तो नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल फाउंडर मेंबर था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई पद था। फिर 23 तारीख को जब मीटिंग हुई, 23 तारीख को जो है हरिद्वार में जो मीटिंग हुई, तो हरिद्वार में जब मीटिंग हुई उसमें भी मैं श्रमदान देने के लिए गया था। संदीप जी ने बोला था कि थोड़ी व्यवस्था आप देख लेना अगर हो सके तो मैं पूरे परिवार के साथ व्यवस्था देखने के लिए गया था, और वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क संभाला, ये सब किया, पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया, तो वो एक तरह का श्रमदान था इस पार्टी के लिए। उसके बाद जब मुझे नेशनल सेक्रेटरी टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बनाया गया तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। इसके दो कारण थे, पहला कारण तो यह है कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसका हो अगर वो बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि अंकुर जी को मैं कभी जानता नहीं था, अंकुर जी से मैं दूसरी बार मिला था, पहली बार मीटिंग में, पहली बार जो फिजिकल मीटिंग हुई थी मधु जी के ऑफिस में वहां पे, और दूसरी बार वो जो 23 तारीख की मीटिंग हुई थी हरिद्वार में वहां पे, 23 अप्रैल 2023। तो ये जो मीटिंग हुई उसमें मुझे खुद भी हैरानी हुई कि मुझे क्यों ये पद दिया जा रहा है। ये जो ऑफिस, मतलब अंकुर जी के ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस की सारी जिम्मेदारी वो तो किसी ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो अंकुर जी के बहुत करीब हो, जिस पे अंकुर जी को पूरा ट्रस्ट हो। मुझे संदीप जी पे ट्रस्ट है और हो सकता है संदीप जी को भी मुझ पे ट्रस्ट हो, लेकिन अंकुर जी के साथ तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुझे जो जवाब दिया गया था वो ये था कि जम्मू में ऐसा कोई बंदा है नहीं जिस पे अंकुर जी पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके। अब ठीक है, वो जवाब जैसा भी है सही है गलत है जो भी था, पर मुझे ठीक लगा तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं संभाल लेता हूँ। लार्जली मैंने जब पूछा था कि मेरा प्रोफाइल क्या होगा, जैसे किसी भी पद को जब ज्वाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन करते हैं तो हम अपना रोल समझते हैं कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है इस रोल में, तो मेरे से जो एक्सपेक्टेशन थी वो लार्जली डॉक्यूमेंटेशनल एक्सपेक्टेशन थी, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। डॉक्यूमेंटेशनल एक्सपेक्टेशन मतलब लेटर हेड को संभाल के रखना, लेटर हेड बनाना, ये चिट्ठी जारी करना और इंटेलेक्चुअल इनपुट देना, इस तरह की सारी जिम्मेदारियां थी मेरे से, इस तरह की सारी एक्सपेक्टेशन थी मुझसे। उन सारी एक्सपेक्टेशंस में मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% से ज्यादा योगदान दिया है, जिसकी वजह से जो भी खैर मेरा टाइम वगैरह लॉस हुआ हो वो नॉर्मल बात है, वो पहले से पता था कि इतना होगा। लेटर हेड जो बना वो पूरी तरह से मैंने बनाया, उसके बाद जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ लोगों का रहा है इंटेलेक्चुअल इनपुट में, लेकिन बने सारे के सारे मेरे लैपटॉप पे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स सिवाय ओरिजिनल सप्त संकल्प के, जो शुरुआत का जो सप्त संकल्प था, तब तक तो मैं पार्टी का कोई पद नहीं संभाला था,
उसके बाद सप्त संकल्प में जितने भी एडिटिंग हुई है मेरे पद संभालने के बाद, उसके बाद जितनी भी एडिटिंग हुई है वो सारी मैंने की है। उसके बाद मैनिफेस्टो बना है हमारा, मैनिफेस्टो के साथ साथ हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उसका झंडा बना है, लोगो कई बार मल्टीपल डिजाइन हुआ है, इसमें चेतन मान जी ने मदद की है झंडा बनाने में, उन्होंने डिजाइन, जहां पे डिजाइनिंग की बात आई है इमेज डिजाइनिंग की। उसके बाद जो चार्जशीट जो बनी है लार्जली इसमें संदीप जी का बहुत मेजर इनपुट था, इंटेलेक्चुअल इनपुट आप ये मानिए कि ज्यादातर संदीप जी का था, लेकिन इसमें अंकुर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है इस सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। और ये मैं शुरुआत में ही बता रहा हूं, अब तो मैं नाम लेकर बोल सकता हूं ये, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे बाकी सब लोगों को धक्का लगा है पार्टी के खत्म होने से, पार्टी मतलब टेक्निकली खत्म नहीं हुई है, लेकिन अंकुर जी के जाने से बाकी सब लोगों को जितना धक्का लगा है उससे ज्यादा धक्का मुझे लगा होगा, तो मैं आज इसीलिए इस ये जो इंटरव्यू हुआ है इसमें मैं आया भी इसीलिए था कि एक बार अपनी साइड से सारी चीजें क्लियर कर दे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा इस तरह के, मैं मतलब मैं और वीडियोस बनाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन वी कांट टेक इट लाइंग डाउन। तो ये मेरा आज इसमें आने का पर्पस मेन था, बाकी आप जो सवाल पूछेंगे उसका एक उसका आंसर ऑब्वियसली हम देंगे। जी बिल्कुल, आपसे सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। सवाल तो जितना आपने बोला है उसी से पहले पूछते हैं। पहले आपने बताया कि बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मतलब पार्टी से बाहर आके, अब पार्टी में थे तो कई ऐसी मजबूरियां थी जो हर मतलब होता है कि आप बोल नहीं पा रहे थे, खुलकर बोल नहीं सकते। नहीं, मजबूरी की बात नहीं है विशाल भाई, होता क्या है ना, आपके कंधे पर अगर जिम्मेदारियां होती हैं तो उन जिम्मेदारियों का भी एक वजन होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो कंधे पर, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि आप कि जब पार्टी में हो तो खुलकर नहीं बोल सकते, जैसे कि आपने बोला कि आज मैं खुलकर बोलूंगा हर चीज के ऊपर, तो जब आप पार्टी के अंदर होते हैं तो ये मान लिया जाए कि कोई भी किसी पार्टी में होता है तो खुलकर नहीं बोल सकता? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये जब आप पार्टी में होते हो तो बहुत सोच समझ कर बोलते हो, वो सोच समझ कर इसलिए नहीं बोलते कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो कुछ गलत शब्द ना निकल जाए, वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द केवल मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जब तक मैं पार्टी में था वो अंकुर जी की छवि को भी ठेस पहुंचा सकते थे, वो संदीप जी की छवि को भी ठेस पहुंचा सकते थे, वो पार्टी की छवि को भी ठेस पहुंचा सकते थे। इंसान अपने आज मैं जो शब्द बोलूंगा वो उसके लिए मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं, और वो केवल मेरे ऊपर इफेक्ट डालेंगे, तो मेरे ऊपर किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ठीक है। अब आपसे सवाल ये है कि आपने पार्टी छोड़ दी लेकिन फिर भी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो कमल रावत जी अभी भी क्या पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? इमोशनली 100% जुड़ा। कई लोगों के सवाल होंगे, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो बाद में लोग पूछेंगे कि क्या कमल रावत जी ऐसा तो नहीं कि पार्टी छोड़ने का बस ऐसे स्टंट कर दिया हो और वैसे जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब बिल्कुल जायज, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए इसमें दो सवाल आते हैं, पहला सवाल ये आता है कि हमने पार्टी छोड़ी क्यों, राइट? और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर पार्टी छोड़ दी है तो फिर अब ये जैसा आप पूछ रहे हैं कि अब ये बातें क्यों। तो पार्टी को छोड़ा जो गया वो इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अगर आप पार्टी के एक साल को देखेंगे तो एक साल में जितने भी अटैक हुए वो सेंट्रल लीडरशिप पे तो हुए लेकिन अंकुर पे नहीं हुए। उसके पीछे का कारण एक ये भी है कि अंकुर शर्मा को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया था संदीप जी के द्वारा, और वो प्रोटेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो अध्यक्ष की चेयर थी तो उस चेयर को प्रोटेक्ट करना था। अब इस चक्कर में सारे के सारे जो अटैक हुए, खैर मैं ये नहीं कह रहा मेरे ऊपर अटैक हुए, ज्यादातर जो अटैक है 90% अटैक तो संदीप जी के ऊपर हुए, और वो जो अटैक थे वो बड़े निचले स्तर के बिलो द बेल्ट टाइप के अटैक्स थे। जैसे मैं आपको बताऊं, अंकुर जी ने एक दिन के लिए भी कोर्ट से छुट्टी नहीं ली इस पार्टी के लिए, कम से जम्मू के चुनाव के लिए ली हो तो मुझे पता नहीं, बाकी इस पार्टी में जितनी भी जरूरतें थी उसके लिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं अंकुर जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। हम कह के मर गई सारी सेंट्रल लीडरशिप कि अंकुर जी हर टॉपिक पे 5 मिनट का वीडियो बना दिया करो, और इनसे 5 मिनट का वीडियो नहीं बनता था। जैसे हर एक टॉपिक पे मोदी जी कुछ बोलता था, हम अंकुर जी को बोलते थे कि अंकुर जी एक वीडियो बना दो, आज तक कभी मना नहीं किया उन्होंने कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, हाँ 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 बनाते बनाते बनाते, और कभी वो वीडियो नहीं आया। हमने बोला इस पर एक स्टेटमेंट दे दो, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हमने बोला अंकुर जी ये काम कर दो, कभी वो नहीं हुआ।
जब ये दिल्ली का ऑफिस बन रहा था तो तय ये हुआ था, अंकुर ने खुद बोला था कि मैं यहां पर आकर 15 दिन रुकूंगा और पूरी पार्टी को सेट करेंगे। 15 दिन छोड़ो, वो एक दिन के लिए भी नहीं आए। हाँ, जब बीजेपी ज्वाइन करनी थी और अमित शाह के साथ मीटिंग की बात हो रही थी तब जरूर 2 दिन रुके थे, और वो 2 दिन ऐसे रुके थे कि मुझे नहीं लगता अमित शाह ने अपने ऑफिस में भी घुसने दिया होगा। मतलब सॉरी, मैं कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उनको जेपी नड्डा ने पार्टी के अंदर लिया है, लेकिन वो यहाँ पर दिल्ली में आकर वो 2 दिन उन्होंने वेट किया कि किसी तरह से अमित शाह के साथ मीटिंग हो जाए। इतना वेट और इतना टाइम उन्होंने पार्टी को कभी नहीं दिया, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं खुल के बोल सकता हूँ, शायद हो सकता है कि अगर मैं पार्टी में होता तो नहीं बोल पाता। दूसरा आता है कि पार्टी छोड़ी क्यों? पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि ये चारों तरफ से अटैक हो रहा था, और आप इसमें एक पैटर्न देख सकते हैं। जब भी चुनाव हुआ है, ये पार्टी बनी है सत्ताईस मार्च 2023 के बाद जितने भी स्टेट के चुनाव हुए हैं, नेशनल इलेक्शन हुए हैं, हर चुनाव से पहले पार्टी को डिरेल करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे जब तक चुनाव नहीं होता था पूरी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ काम करती थी, इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। लेकिन जब भी चुनाव होता था तो प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक सब निष्क्रिय हो जाते थे। और ये बात आप मेरी बातों पे मत जाओ, आज अंकुर शर्मा जो है वो बीजेपी के छोटे से एमएलए तक को का प्रचार में लगे हुए हैं। हमने इनसे कह कहकर थक गए। जब इनका चुनाव खत्म हो गया था फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में, उसके बाद 4 जून तक इन्होंने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। प्रचार करना तो दूर की बात है, हालांकि प्रचार के लिए ये बोला गया था कि प्रचार में आप मत जाओ, लेकिन इनको वीडियो प्रचार करने से, स्टेटमेंट देने से, माहौल बनाने से, नैरेटिव बनाने से, उससे उसके लिए हम पुश कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा था कि आपको हम वहां पे भेजेंगे, उसके लिए नहीं भेजा बोला था। तो चारों तरफ से जो अटैक हो रहा था वो लार्जली आप देखेंगे कि जब भी चुनाव होते थे कोई ना कोई घड़ा आ जाता था। जब मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह के चुनाव थे तो वो शिंदे और वो पार्टी जो थी मध्य प्रदेश वाली पार्टी जो वो आ गई और उन्होंने पूरा उस चुनाव को स्कटल कर दिया, हमें चुनाव चिन्ह नहीं लेने दिया। फिर जब ये नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव हुए तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला है ये आ गया, और सबका जो अटैक था, किसी का भी अटैक अंकुर जी के ऊपर नहीं था, सबका अटैक केवल संदीप के ऊपर था। ये जो चार्जशीट बनाई गई मोदी के खिलाफ, जो चार्जशीट बनाई गई जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को, लार्जली वो संदीप जी के रिसर्च थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ये किस तरह से वकफ बोर्ड की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मोदी ने ज्यादा किया है, किस तरह से कांग्रेस के टाइम पे 8,000 लोगों को ऑन एन एवरेज निकाला जा रहा था बंगला अवैध घुसपैठियों को, और बीजेपी ने उसको 10% पर लेकर आ गए। पहले अगर 100 लोगों को निकाला जाता था तो बीजेपी के टाइम पे मुश्किल से 2 या 4 लोगों को निकाला जाता था। तो ये सारा का सारा अटैक एक नैरेटिव के जरिए संदीप जी के ऊपर किया जाता था, और इस अटैक में एक लाइन बना दी गई थी, वो लाइन ये थी कि संदीप जो है वो पार्टी पे कब्जा करने का उसका पूरा प्लान है और अंकुर को वो पार्टी से निकालना चाह रहे हैं। जब चुनाव खत्म हो गए तो अंकुर शर्मा ने एक मीटिंग रखी, पहले ये कांग्रेस में जाने वाले थे, फिर उसके बाद ये बीजेपी में जाने वाले थे, फिर दोबारा से कांग्रेस में जाने वाले थे। तो उसके बाद अंकुर शर्मा ने एक मीटिंग रखी, वो हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट्स को नहीं बुलाया गया था, उसमें केवल हम 5-6 लोग थे। वो मीटिंग मेरे ख्याल से रखी गई थी जुलाई में, अगर मैं सही हूं तो जुलाई में अंकुर जी जो है वो ट्रेवल करके आए, और उस समय पे इन्होंने खूब बीजेपी की बुराई की और इन्होंने पूरी तरह से ये माहौल बनाया कि देखो कांग्रेस आएगी 2029 में और हम लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए और कांग्रेस में हम लोग शीर्ष तक जा सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। जो नैरेटिव अभी ये भाजपा के लिए चला रहे हैं सेम उन्होंने उसके लिए लॉजिक दिया था कांग्रेस के लिए, जो इन्होंने लॉजिक दिया था कांग्रेस के लिए उसका मैंने भी विरोध किया था, संदीप जी ने भी विरोध किया था, लार्जली पूरी सेंट्रल लीडरशिप ने विरोध किया था। तो उसके बाद ये कहते कि नहीं बात करने में क्या बुराई है, बात तो कर लेते हैं, चलो ये है वो है, और वो चले गए। उसके बाद फिर ये दोबारा से जब आए तो संदीप जी ने कहा इस बार एक काम करो, पूरी लीडरशिप के सामने आप ये प्रस्ताव रखो जो आप हमसे बोल रहे हो, चाहे वो प्रस्ताव विलय का हो, चाहे वो प्रस्ताव आपके जाने का हो, चाहे वो प्रस्ताव पार्टी के जाने का हो। और फिर पूरे स्टेट लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को, सबको बुला लिया गया। ये जो 9 अगस्त की मीटिंग हुई है इसमें अंकुर जी ने वो प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद वो सारा कुछ पब्लिक है ही कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसमें उत्तराखंड के जो विनोद साई है उन्होंने अंकुर जी का समर्थन दिया था कि हाँ हाँ हमें बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था कि हाँ हाँ आप जा रहे हो हमारी भी सेटिंग करा देना। अंकुर जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं सबकी सेटिंग कराऊंगा। और मुझे मैं हालांकि उस मीटिंग में नहीं था लेकिन उससे पहली वाली मीटिंग में मैं था और मुझे ये शब्द इतने चुभे थे
कि हम यहाँ पे सेटिंग कराने के लिए आए हैं। सेटिंग कराने के लिए आपको 11,000 रुपए दिए थे और हर महीने 5,000 रुपए दे रहे थे। सेटिंग करानी है आपको, अपनी सेटिंग करानी होगी, यहाँ पे किसी को कोई सेटिंग नहीं करानी, सब अपनी जगह पे सेट है। तो ये जो शब्द थे उनके, ये बहुत चुभने वाले शब्द थे कि मैं सबकी सेटिंग कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जाऊंगा। टॉप लीडरशिप हमारी, सेंट्रल लीडरशिप उनकी, सेंट्रल लीडरशिप पे सेट होगी, जो स्टेट लेवल के लोग हैं वो स्टेट लेवल पे सेटल होंगे। तो इसका विरोध दो लोगों ने किया, दो मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट पूरी सेंट्रल लीडरशिप ने किया था और स्टेट लीडरशिप ने भी किया था इसका विरोध, ऐसा नहीं है, 90% लोगों ने विरोध किया था। बाद में इनके ऑफिस में जाके इनसे पर्सनली क्या बात किया वो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां पर पब्लिकली, हालांकि मैं उस मीटिंग में नहीं था लेकिन मीटिंग के मिनट्स आते हैं, पब्लिकली सब लोगों ने विरोध किया था, 90% लोगों ने विरोध किया था। अब सवाल ये आता है कि इस तरह का ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि अंकुर को तो पार्टी से निकाल देंगे और संदीप पार्टी को टेक ओवर कर लेगा। अगर संदीप जी 10 तारीख को रिजाइन नहीं करते, 9 तारीख को वो मीटिंग हुई थी, अगर 10 तारीख को संदीप जी रिजाइन नहीं करते तो ये बात जो है ये पुख्ता हो जाती, उन्होंने जो बोला था वो पुख्ता हो जाता। अगर मैं रिजाइन नहीं करता तो फिर उल्टा संदीप जी के ऊपर फिर से बात आती कि भाई संदीप खुद तो चला गया लेकिन कमल जी के थ्रू ये पार्टी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि संदीप जी ने मुझसे कहा था कि तुम रिजाइन मत करो, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं यहाँ पे इन सब चीजों के लिए थोड़ी आया था, सेट होने के लिए बीजेपी में। मेरा अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस का घाटा करवा के हम लोग आए हैं यहाँ पे, और घाटा केवल एक आदमी के लिए घाटा करवाया है और उस आदमी ने फायदा ही फायदा उठाया है, और उस आदमी ने इतना फायदा उठाया है कि उस आदमी ने अपनी एक दिन की भी कोर्ट की छुट्टी नहीं की, और जितना भी पार्टी में पैसा आया वो पैसा जीरो करके गया वो आदमी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई, हालांकि वो तब तक मैं छोड़ चुका था पार्टी, एक फाउंडर ग्रुप के मेंबर्स की और टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद लोगों ने मुझे फोन किया कि अंकुर जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत अकाउंट से, उन्होंने चार बार ये बात बोली जैसा मुझे बताया गया कि उन्होंने चार बार ये बात बोली, मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से पैसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं इस ऑफिस को का रेंट देने के लिए 2 महीने का। तो ये बात कोई पूछ नहीं सकता था क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये बात पूछी जानी चाहिए थी कि इस ऑफिस को चलाने का 1 साल का खर्चा अकाउंट में ऑलरेडी था और वो कहां गायब हो गया वो पता नहीं। अच्छा, मजेदार बात विशाल भाई, 23 तारीख की मीटिंग के बाद, वो जो जब पार्टी बनी तो सारी पोजीशंस जो हैं वो काम करने वाली सारी पोजीशंस जो हैं वो हम लोगों के पास थी, संदीप जी जनरल सेक्रेटरी, मैं, ये और अलग अलग लोग। 2 पोजीशन जो है वो जम्मू के पास थी, पहला नेशनल प्रेसिडेंट और दूसरा नेशनल ट्रेजरर। मतलब आज तक मैंने तो आज तक बैलेंस शीट भी नहीं देखी, तो पैसा सारा कैसे आता है, कहां से आता है, कितना आता है, कहां जाएगा, वो सारा जम्मू में हिसाब, और मेन जो डिसीजन होगा पार्टी लेवल डिसीजन जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो सारा वहां पे हिसाब। अब इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको लेने की कोशिश की और अंकुर जी ने नहीं दिया, हमने कभी लेने की भी कोशिश नहीं की, हमने खुद ही बोला कि आप ये अकाउंट वाली चीज अपने पास रखो। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अंकुर जी की कोई गलती है, मैंने भी यही बोला था, संदीप जी ने भी यही बोला था कि हमें अकाउंट में पढ़ना ही नहीं, आपकी पार्टी है तो हम आए थे अंकुर की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है, हम अंकुर की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन जिस विचारधारा के लिए सपोर्ट करने के लिए आए थे और जिस बात के लिए हमने लोगों को आह्वान किया था, हमने भी तो अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जुड़वाया है, और जिस बात के लिए हमने पैसे दिए थे, उस बात पे कंप्लीट यूटर्न हुआ है केवल प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से। मैं जो सवाल है, मैं आप शॉर्ट आंसर देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल, आगे से मैं आंसर। हाँ नहीं, मैं आपसे जो जितनी बातें कही है उसी उन्हीं में से आपने हम लोग की बात कही। आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े रहे हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे। हर कोई नहीं समझ पाएगा ये, और आप राइट पर्सन है कि आपसे डिस्कस किया जाए। आपको पता है कि जो एक जो मैनेजर होता है उसका काम होता है, मतलब एक तो जो हायरिंग हुई है या फिर उसके पास राइट्स है कि अगर वो हायर करता है तो जो भी उसके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनका रोल असाइन करता है कि आपका ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो अगर आप लगातार हमले झेल रहे हैं, मीन्स कि आपने रोल असाइन नहीं किया, क्योंकि आपको तो अपना काम देना पड़ेगा ना, कि आपने जैसे कि इसको ये काम दे दिया, इसको ये काम दे दिया, इसको ये काम दे दिया, अगर नहीं कर रहा तो फिर ये आपकी जिम्मेवारी है और फिर आपके मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं। ये किसी इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है, हम जो भी बातें करेंगे जनरल करेंगे, हमारा किसी ना कमल रावत जी से व्यक्तिगत मतलब है, ना अंकुर शर्मा से, ना किसी से, हमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं लेना देना। लेकिन ये पॉइंट है कि नहीं,
कि अगर मैनेजर जो है अपना टीम सही से नहीं बना पाया तो सवाल उसके ऊपर भी उठते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है और सवाल उठने ही चाहिए। नॉर्मली आप सही बोल रहे हो, कॉर्पोरेट में जो आइडियोलॉजी होती है वो टॉप डाउन फ्लो करती है, पॉलिटिकल पार्टी में भी जो आइडियोलॉजी होती है वो टॉप डाउन फ्लो करती है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जैसे पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है एकम सनातन भारत दल का, वो वो मेरे ख्याल से 10 अगस्त की जो मीटिंग हुई थी उसमें अंकुर जी ने खुद लॉन्च किया था अपने हाथ से लॉन्च किया था, उसके बाद भी वो आज तक जमा नहीं हो पाया है। इसके लिए कम से कम हजारों बार रिमाइंडर गया है अंकुर जी के पास, इसको सबमिट कर दो, इसको सबमिट करा दो। हर दिन ये होता था कि हाँ आज कराते हैं कल कराते हैं, कभी मना नहीं किया जैसे बाकी चीजों के लिए, लेकिन कभी सबमिट नहीं किया। अब वो जो इलेक्शन कमीशन में सबमिट होना है उसको और कोई नहीं कर सकता, वो नेशनल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होगा और वो इंक में सिग्नेचर होंगे, मतलब अंकुर जी को अपने जम्मू से ही करना पड़ेगा, लेकिन वो आज तक नहीं किया। उसमें क्या होता है कि अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर वो ये कह देते हैं हाँ हाँ अभी तक ये फाइनल नहीं है, एक काम करो इनके सजेशन को भी ले लो, इनके सजेशन को भी ले लो, जबकि 10 दिसंबर को वो फाइनल कर चुके थे। तो ये आप सही कह रहे हो, होता तो कलेक्टिव फेलियर है और मैं बिल्कुल ये बात मैं मान रहा हूं कि ये कलेक्टिव फेलियर है। ठीक है, कलेक्टिव फेलियर के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कलेक्टिव फेलियर किस चीज का, कलेक्टिव फेलियर इस चीज का कि हम अंकुर जी को नहीं रोक पाए बीजेपी में जाने से, इसका तो कोई कलेक्टिव फेलियर नहीं है, इसका इंडिविजुअल फेलियर है। ठीक है, कलेक्टिव फेलियर इस चीज का हो सकता है कि पार्टी का जितना विस्तार प्लान था या पार्टी का जितना विस्तार हमने सोचा था उतना विस्तार नहीं हो पाया, ये कलेक्टिव फेलियर है, इसका मैं बिल्कुल मानता हूं। जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं इनसे जुड़े हुए। अब आप लोगों ने जो पार्टी बनाई है, आप लोगों ने जो पार्टी बनाई है, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी क्या सोचता था वो आप जानते हैं, यहां बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कुछ लोग कहेंगे कल क्या हो ऐसा क्यों चुप थे। तो हमने ऐसे रास्ते चुन रखे हैं जहां पे लोग बड़े कम है और हमारे पास अब स्कोप ही नहीं है कि हम किसी को दुश्मन बनाए, बिल्कुल स्कोप नहीं है। अब फिर कहेंगे कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो हाँ मान लीजिए कि हमने कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि फिर सवाल ये होता है कि एक नई पार्टी बनी अभी से ही, तुमने इनकी वो करना मतलब क्या बोलते हैं इनकी खिंचाई करनी शुरू कर दी, यानी कि तुमको हर किसी से समस्या है, तुम ही क्यों नहीं राजनीति में आ जाते हो। तो फाइनली जैसी ऑडियंस होती है वैसा डील करना पड़ता है, खैर ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने पार्टी बनाई, सनातन मूल्यों के ऊपर पार्टी बनाई, कमल जी ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज हो रहा था, क्योंकि आप टॉप लीडर जो लीडर्स हैं उनमें से एक है, तो आप लोगों को पता ना हो, अगर उस चीज को आपने इग्नोर किया तो अब कितना रहे क्या रहा, जिस चीज का हिसाब मेरे पास नहीं है उसकी बात मैं कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि फिर उसके दोषी कमल रावत भी क्यों नहीं है, किस चीज को गलती हुआ उसको रोका जा सकता था ना। नहीं मतलब किस चीज को इग्नोर किया, आप एक उदाहरण दीजिए। आपने किस, जैसे कि आपके पार्टी के अध्यक्ष, इतना तो पता होगा कमल रावत जी को भी, मैंने भी पूछा था अंकुर जी से कि आपका जो टॉप लीडर्स है, आपसे भी ये बात हुई थी मेरी, तो आपने बोला था कि मैंने अपनी जॉब से छुट्टी ले रखी है और मैं फुल टाइम इसी काम में लगाऊ, आपसे मेरी बात हुई थी, पर्सनली बात की बात बता रहा हूँ, आपसे बात हुई थी। अंकुर जी से मेरी बात हुई तो यही जवाब मिला कि जो अपना खर्चा नहीं चला सकता वो पार्टी क्या चलाएगा। तो देखिए तर्क और कुतर्क हर जगह होते हैं, इसका तो कोई काट नहीं है। अब आपको पता था कि जो पार्टी बनी है वो उस मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं करी है। देखिए मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको कलेक्ट, आपको भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूं कि आप लोगों ने कोई वैसा एफर्ट नहीं डाला जैसा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को डालना चाहिए, या तो फिर आप लोगों ने इतना ज्यादा पैर फैला लिया था कि उसके मतलब 5 मीटर के भी रेंज में चादर नहीं थे। देखिए विशाल भाई, मतलब आपने थोड़ा हिंट्स में बोला है, अगर आप एग्जैक्ट पूछेंगे तो मैं एग्जैक्ट जवाब भी दे दूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जो काम रोक सकते थे वो हमने रोका नहीं। ठीक है, इसमें टाइमिंग जो होती है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए हम जैसे अंकुर जी के बारे में, अंकुर जी की निष्क्रियता के बारे में पहले पता था, लेकिन अगर हम पहले से ये बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो निष्क्रिय है तो ये पार्टी में बहुत गलत मैसेज छोड़ता है। ठीक, पार्टी की जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग का मतलब, जैसे आपने कॉर्पोरेट का उदाहरण दिया, अगर कॉर्पोरेट में मान लो कोई सीईओ जो है वो काम नहीं कर रहा है तो सीईओ को निकाला तो जाएगा,
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ओपनली पब्लिक में जाके ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो हमारा सीईओ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टॉप लीडरशिप का ये काम नहीं है कि हम जाके क्रिटिसाइज करें, हमारा काम है एक्शन लेने का जो जो टॉप लीडरशिप में है जितने भी लोग हैं, क्योंकि यही हम स्टेट प्रेसिडेंट्स को भी बोलते थे कि स्टेट प्रेसिडेंट अगर ये कहते थे कि भाई पार्टी जो है वो स्टेट में काम नहीं कर रही, तो हम बोलते थे किससे शिकायत कर रहे हो, स्टेट तो स्टेट के प्रेसिडेंट तो तुम हो, अगर स्टेट के प्रेसिडेंट तुम हो और तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मैं किसी भी तरह से पल्ला नहीं झाड़ रहे, हम जितना भी काम हुआ है वो जो काम हुआ है वो उस काम में अब क्योंकि अंकुर जा चुके हैं और हम भी जा चुके हैं, हम भी जा चुके हैं, अंकुर भी जा चुके हैं, और दूसरी तरफ से एक तरह से अभी भी पार्टी को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। अगर वो चुपचाप चले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो हैंड ओवर कर जाए, हैंड ओवर तो खैर क्या होता है, अगर वो पार्टी को ठीक तरह से चलने दे। अब है क्या कि कोषाध्यक्ष जो थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, कोषाध्यक्ष ने रिजाइन नहीं किया, प्रेसिडेंट ने भाजपा ज्वाइन की, प्रेसिडेंट ने आज तक रिजाइन नहीं किया, कम से कम मेरे पास तो मैंने तो कभी उनका रेजिग्नेशन लेटर देखा नहीं है, और मैंने जितने लोगों से पार्टी में बात की है किसी ने उनका रेजिग्नेशन लेटर नहीं देखा। अब आप एक बात बताओ, ब्रिटिशर जो है वो छोड़ के गए और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो नेहरू परिवार को देके चले गए, ये सही है क्या? मतलब आप ब्रिटिशर्स जो है वो शत्रु थे, शत्रु जब छोड़ के जाता है तो जो जिस देश को छोड़ के जाएगा उस देश की सत्ता यदि शत्रु जो है वो अपने जैसे लोगों अपने लोगों के पास छोड़ के जाएगा तो इसका मतलब तो वो पहले से ही शत्रु है, वो तो और बड़े शत्रु है। अंकुर जी जब छोड़ के गए हैं तो एक शत्रु पार्टी में छोड़ के गए हैं, वो सनातन शत्रु पार्टी है, और अंकुर जी जिस लीडरशिप को बना के गए हैं उस लीडरशिप में सोचिए कैसे गुण होंगे, क्या वो लीडरशिप सनातनी होगी? और लीडरशिप का एक एक का धागा मैं खोल सकता हूँ, ये जो प्रवक्ता बने बैठे हैं इनका भी खोल सकते हैं, परंतु ये सब जो है ये पर्सनल चीछा लेदर है, ये करने में कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि भाई कौन से काम जो है वो हम कर सकते थे, कौन सा काम हमने नहीं किया, एक एक बात मैं विशाल जी ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, एक है पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और एक है नैरेटिव बिल्डिंग की परफॉर्मेंस, अगर इन दोनों को अलग अलग रखा जाए तो नैरेटिव बिल्डिंग की जो परफॉर्मेंस है वो एक साल में जबरदस्त रही है, और नैरेटिव बिल्डिंग में ये लार्जली नैरेटिव बिल्डिंग वाला जो काम है ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हुआ है, चार्जशीट के थ्रू, मैनिफेस्टो के थ्रू, झंडे के थ्रू, हमारा झंडे का नैरेटिव जो है वो कई दिन तक चला था। पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हमारी उतनी नहीं रही, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के लिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हमारी उस तरह की नहीं रही जितना हमने सोचा था। देखिए बिल्कुल सवाल ये भी होते हैं कि जो भी, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को कितना चंदा मिला कितना नहीं मिला, मुझे नहीं पता ना, मुझे मेरा मैं बता देता हूँ, 1 करोड़ कुछ लाख का चंदा मिला था शायद, 1 करोड़ 3 लाख नहीं 97 लाख के आसपास का चंदा मिला था शायद, मतलब ऑलमोस्ट 97 लाख ही था। तो आप लोगों का मकसद पार्टी चलाना था या फिर पार्टी का ऑफिस चलाना था? नहीं, ये तो हाइंडसाइट वाली बात होती है, मतलब उस समय पे हमारा जो सोच रही थी, उस समय पे सोच ये रही थी कि हमें लग रहा था कि हम फंड रेजिंग जो है वो और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। सही बात यह है कि फंड रेजिंग के लिए कोई कैंपेन भी नहीं चला, ये जो चंदा आया है ये बिना फंड रेजिंग के आया है, बिना एक भी मेहनत किए हुए आया है, बिना एक पैसे भी मार्केटिंग में लगाए हुए आया है। तो ये तो शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि हम एक साल बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे, और खाली बैठे रहेंगे मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंड रेजिंग, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। ये तो हमने शुरू में सोचा नहीं था कि भाई एक साल तक हम जो है फंड रेजिंग का अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। तो शुरू में तो यही सोचा गया था कि फंड रेजिंग के अटेम्प्ट होंगे, काफी सारे अटेम्प्ट होंगे, और उन अटेम्प्ट के थ्रू फंड रेजिंग होगी। अब जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ फंड रेजिंग कहाँ से आई, सारी की सारी ये जो फंड रेजिंग आई है 97 लाख जितना भी आया है, इसमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन संदीप देव के अकेले का है, और अंकुर जी का जीरो है, जीरो मतलब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने अपने जम्मू से जो कंट्रीब्यूशन आया है पार्टी का वो जीरो रहा है। दूसरा, दो तरह के अकाउंट थे, एक तो पार्टी का अपना अकाउंट होता है और एक कैंडिडेट का अकाउंट होता है। अंकुर जी के अकाउंट में, क्योंकि अंकुर जी जम्मू से चुनाव लड़ रहे थे तो वो कैंडिडेट थे, अंकुर जी के अकाउंट में जो फंड रेजिंग की गई उसका भी कैंपेन जो है वो दिल्ली से ही चला था, उसमें कितने पैसे आए उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो पार्टी के फंड में पैसे आए थे, इस पार्टी के फंड पार्टी के अकाउंट में इतने पैसे थे कि अगले एक साल तक हम करंट ऑफिस को आराम से चला सकते थे। वो सारे पैसे जो है वो जाने से पहले उन्होंने ये इंश्योर किया है कि ये जीरो हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ विशाल भाई, ये इस तरह का धोखा है जैसा जयचंद ने दिया था, ये छोटा मोटा धोखा नहीं है, क्योंकि ये संभावनाओं का धोखा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई पृथ्वीराज चौहान।
अगर आप जयचंद की बात करेंगे तो जयचंद की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। ये नहीं मतलब मैं पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं उस हिसाब से नहीं बता रहा, मैं समझ रहा हूँ आप किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, मतलब मैं पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं सिराजुद्दौला भी बोल सकता हूँ, पर सिराजुद्दौला की भी फिर वो हिस्ट्री आ जाएगी। तो पब्लिक परसेप्शन में इन दोनों को सबसे बड़ा धोखेबाज माना जाता है भारत वर्ष का। तो जो एकम सनातन भारत दल बन सकती थी उसको जो धोखा दिया गया है, तो अंकुर शर्मा का धोखा जो है वो उसी लेवल पे आएगा, मोदी के धोखे के बराबर माना जाएगा। मोदी ने उस तरह का धोखा नहीं दिया था, मोदी ने खुल के कहा था कि हम तो गांधीवादी समाजवाद बनाते हैं। ये था जो सनातन बोलता था, ये था जो इस्लामिक आतंकवाद बोलता था। आज भाजपा ज्वाइन करते ही भाषा बदल गई, इस्लामिक आतंकवाद की जगह अलगाववाद बोलने लगा, आज सनातन की जगह वो राष्ट्रवाद बोलने लगे। जी, तो ये जो भाषा बदली है ये कहां से बदली गई, इससे देखिए कितना दुख होता है। ये जो भाषा बदली गई क्योंकि लोगों ने अपने पैसे दिए हैं, और ये जो फाउंडर मेंबर पे चिल्ला रहे हैं, ये जो इन्होंने फाउंडर मेंबर को सुनाया है, मुझे तो उससे बड़ी आहत हुई है, क्योंकि फाउंडर मेंबर ने अपने पैसे जो है वो इनके लिए दिए थे। इन्होंने तो माइलेज लिया है, इन्होंने अपनी तरक्की व्यक्तिगत तरक्की खूब की है, और फाउंडर मेंबर के ऊपर या किसी के ऊपर इनको चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं था। जी सॉरी कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो कहा कि वैसा आप लोगों ने जो इस्तीफा दिया, इसलिए इस्तीफा दिया कि उस समय ये मैसेज आ रहा था या ऐसा घोषित हो जाता कि संदीप देव जी पार्टी को कब्जा करना चाहते हैं, एक पहलू है, आपने ही कहा ना। जी जी बिल्कुल, आप सोचिए ना, उससे पहले आप उसको छोड़ दीजिए, पूरा अभी पूरा होने जाने दीजिए, आप पूरा जवाब दीजिएगा, मैं आपको कहां इंटरप्ट करता हूं, करूंगा भी नहीं, किसी को भी नहीं करता। तो आपने कहा कि ऐसा मैसेज आता, आप ये भी बता रहे हैं, हमने देखा भी है कि चलिए वो लगातार हमले झेल रहे थे। दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि जो भी चंदा आया वो संदीप देव जी की वजह से आया। चंदा लोग पैसा तब निकाल कर देते हैं ना जब किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट हो तभी कोई देगा, वैसे किसी को 97,000 भी नहीं आते कि 97,100 भी नहीं आते। उनके उनकी वजह से लोगों ने पैसा दिया, उन्होंने और आपने तुरंत बिना किसी से कोई डिस्कशन किए, बिना कुछ किए, आप लोगों ने रिजाइन कर लिया, यानी कि आप लोग अपना चेहरा बचा रहे थे कि ऐसा मैसेज ना जाए कि आप लोग पार्टी को कब्जा कर लेंगे, पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट है, जी जी मैं इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि आपके लोगों, जिन लोगों ने आपको ट्रस्ट किया, तो चेहरा बचाने की बात थी, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिन और भी आप लोग रुक जाते? जब ऐसा मैसेज जाता तो ठीक है, कब्जा ही करके वैसे आदमी को देते जो चला पाता, आज ये स्थिति नहीं आती कि ये बोलना पड़ता कि असली एकम सनातन कौन और नकली एकम सनातन कौन। देखिए पहली बात तो इसमें यह है कि राजनीति में ना पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक लाइफ में पब्लिक परसेप्शन बहुत मैटर करती है। पब्लिक परसेप्शन के आप हमारी बात पे मत जाओ, आप पूरा देखो। आज भी मतलब आज तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि संदीप देव जो है वो घाटा झेलकर, अपनी पूरी कंपनी का नुकसान झेलकर, आज जो बंदा उस समय पे मतलब ये कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन मुझे पता है सारा कुछ उनका। 2016 से मैं संदीप जी को जानता हूं, 2016 के बाद उन्होंने जिस तरह के डिसीजन लिए हैं उससे मैं भी उन पे ट्रस्ट करता हूं। मैंने जो एकम सनातन भारत दल ज्वाइन किया, मैंने केवल संदीप जी की वजह से ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे संदीप जी पे पूरा ट्रस्ट था। अगर वो कह रहे हैं कि ये है, और वो ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि मैं उनको देखता हुआ आ रहा था कि वो ऐसा इंसान है जो अपना घाटा झेलता है लेकिन विचारधारा पे अड़ा रहता है, और ये उन्होंने टाइम बाय टाइम प्रूव किया है। तो होता क्या है कि अगर किसी इंसान की वैसे किसी को मार दो, उन्हें गोली मार दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दोगे तो फिर उस इंसान में क्या बचेगा, स्पेशली वो इंसान जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीवन जिया हो। तो प्लान जो था, अब तो ये क्लियर हो गया है, प्लान जो था वो ये था कि उनकी रिस्पेक्ट को खत्म करना है, क्योंकि एक फैन फॉलोइंग जो है वो रिस्पेक्ट के कारण बनती है, तो रिस्पेक्ट को खत्म करना था। और आप देखिए जो नैरेटिव बना रहे थे, चाहे वो ये उत्तर प्रदेश वाला हो, चाहे वो उत्तराखंड वाला हो, चाहे ये हो, ये सारे लोग, जितने भी लोग छोड़कर गए हैं, जितने भी लोगों को निकाला गया है या छोड़कर गए हैं उस पहले अंकुर से पहले, उन सारे लोगों का आप नैरेटिव देख लीजिए, आज भी वो अंकुर शर्मा पे अटैक नहीं कर रहे हैं। आज भी वो ये नहीं कर रहे कि देखो हमने तो बोला था कि ये प्रेसिडेंट जो है एक, आप लोग तो व्यक्तिगत हो गए ना, आप लोगों ने पार्टी के तो रखा नहीं, अब आप लोग जैसे सबको जो निकाला गया उसमें सिग्नेचर तो अंकुर शर्मा के ही है।
संदीप के तो किसी में भी सिग्नेचर नहीं है, ये जो यूपी वाले को निकाला गया है इसमें सिग्नेचर अंकुर शर्मा के ही है ना, तो व्यक्तिगत तो वो अंकुर शर्मा के साथ भी हो सकते थे लेकिन अंकुर शर्मा के साथ व्यक्तिगत नहीं हुए, क्यों? क्योंकि अंकुर शर्मा उसी पार्टी में गए जिसमें वो गए हैं, जिसको वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे लोग जो छोड़ छोड़ के गए हैं, ये आप देखिए इनकी इनकी भाषा देख लीजिए। जैसे कल परसों एक जो उत्तराखंड वाला है वो बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था कि ये देखिए ये जो सबमिट नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेंट्रल लीडरशिप का फेलियर है। उसने एक बार भी अंकुर का नाम नहीं लिया और अंकुर को फील्ड कर रहा था कि नहीं देखो वो तो अच्छी तरह से हैंडओवर करके गए, अच्छी तरह से हैंडओवर करके कहां गए हैं, शत्रु पक्ष में, और लड़ किससे रहे हैं, वो हमसे लड़ेंगे। जो वहां पे गया है भाजपा में वो किससे लड़ेगा, वो हमसे ही तो लड़ेगा, वो सनातनियों से ही लड़ेगा। तो एक शत्रु बढ़ाया है ना उन्होंने, पर उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा। अटैक किसके ऊपर हो रहा है आज भी? संदीप के ऊपर या फिर सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर। तो मैं संदीप जी को एडवोकेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं उनका ऐसा नहीं, वो अपने आप को खुद डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन लिया गया था मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन था। ये सही डिसीजन इसलिए नहीं था कि संदीप ने उनको आधे रास्ते में छोड़ दिया है, उन लोगों के साथ हम आज भी वोट कर लेते हैं। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आपके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने आपसे ट्रस्ट किया, सिर्फ लोगों के पैसे बर्बाद नहीं हुए, लोगों के इमोशन बर्बाद हुए हैं, लोगों के जो एक होता है ना कि जो एंटी मोदी एक या फिर बीजेपी आरएसएस एक सेंटीमेंट बन रहा था, तो इसके ऊपर भी मतलब प्रहार हुआ है कि कोई भविष्य में सोच भी ना पाए, अगर सोचे भी तो उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि कहीं इनका भी हसरे एकम सनातन भारत दल जैसा नहीं होगा। जब आपने अपने चेहरे पे सब कुछ किया, लोगों को जोड़ा, पैसे इकट्ठा करवाए, वो कहां गया नहीं गया वो मेरा मतलब नहीं उसी से, आपने अपने इस पे किया, तो फिर आपकी जवाबदेही तो उन लोगों के लिए भी प्रति थी ना कि आप ऐसा करते कि ठीक है पार्टी का अध्यक्ष गया तो गया। देखिए ये बात पहले भी हो चुकी है, मैं पहले भी किसी एक दो लोगों से साथ पर्सनली बात हुई होगी, शायद उसमें आप भी हो सकते हैं, कि इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो हमें दिख गया था शुरू में। और मैं आपसे लिटरली बताऊं तो मुझे एक सिंगल आदमी नहीं दिखा जो ये मतलब प्रतिबद्ध हो कि वो पार्टी चलाने के लिए कहीं से इच्छुक था। एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अब वो सोचता क्या है, वो कर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, एक अलग मैटर है। लेकिन जब मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कुछ वैसा एक्शन हो रहा है जिससे पार्टी का एक्सपेंशन हो या फिर पार्टी का कुछ विस्तार हो। पार्टी जहां से चली थी और मुझे लगता है कि डे बाय डे घटती चली गई। तो कमल जी आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आप उनके ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए जो गद्दार था आखिरी गद्दार को भी रास्ता पकड़ा के फिर उस पार्टी को कहीं किसी को सौंप देते जो चलाना चाहता था? देखिए विशाल भाई इसमें ना दो तीन चीजें हैं, आप सही बोल रहे हैं। तो पहले तो एक जो आपने बात कही पहले मैं उसका छोटा सा आंसर दे देता हूँ। आपने कहा कि पार्टी जो जहां से चली थी वहीं पे रही है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। आप देखिए हैदराबाद में चिलकुर बालाजी रंगाराजन स्वामी जो है वो हैदराबाद के बहुत बड़े संत, मतलब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव संत हैं। चिलकुर बालाजी जो वीजा टेंपल जिसको बोलते हैं, बालाजी मंदिर है वैसे, वो हनुमान जी का मंदिर है और वो हैदराबाद का सबसे फेमस मंदिर है। उन्होंने भी हमारे साथ मंच साझा किया, उन्होंने हमारी पार्टी का समर्थन दिया, शंकराचार्य जी ने हमारी पार्टी का समर्थन दिया, और केवल शंकराचार्य जी ने नहीं दिया, इस पार्टी के अंदर शंकराचार्य जी ने जब बोला तो टॉप सबसे पहले हमारी पार्टी का नाम लिया। तो इस पार्टी में बहुत सारे काम एक साल में ऐसे हुए हैं जो फर्स्ट इन द हिस्ट्री थे, जो पहली बार हो रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि एक साल जो है वो पूरी तरह से वेस्ट गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप इसका नैरेटिव बनाने के एबिलिटी के हिसाब से आप इस एक साल को देखेंगे तो पार्टी ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप पॉलिटिकल रिजल्ट की तरफ से देखेंगे तो पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप संगठन बनाने के उससे देखेंगे दृष्टि से, तो संगठन बनाने की दृष्टि से भी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। हर एक स्टेट में बॉडीज बनी है, कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बॉडीज बनी है, और एक साल में ये बना पाना जो है इसका मतलब लोग जो है वो जुड़ रहे थे ट्रस्ट से। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। आपने कहा कि जिस पे ट्रस्ट था और जिसके लिए दिया था पैसा वो क्यों छोड़ के चला गया। वैसे तो ये सवाल संदीप जी अपने आप भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पार्टी का पूरा जो कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल और जो लीडरशिप वाला कंट्रोल है, वो जम्मू के पास था। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो अंकुर जी के थे और लीडरशिप जो है वो अंकुर जी की थी। पार्टी का फंड उन्होंने जीरो कर दिया था,
जैसा मैंने बताया कि पार्टी के पास एक साल चलाने का पैसा था। दूसरा यह है कि अब जो दूसरा अटैक था वो था इज्जत के ऊपर। इज्जत के ऊपर जब अटैक होता है तो इंसान एक बैक सीट लेता है कि ठीक है ये इज्जत पे कैसे हमला कर रहे हैं, इस तरह से हमला कर रहे हैं, मैं इससे रिजाइन करके अलग हटता हूं, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टी से बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मेरे को पार्टी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती तो आज फिर मैं आपके यहां पे बैठा थोड़ी होता। तो पार्टी से इमोशनल अटैचमेंट है और हम ये चाहते हैं, अंकुर जी ने ये प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी को प्रॉपरली ट्रांसफर करके जाएंगे पार्टी की लीडरशिप को, उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। मैं एक भविष्यवाणी सुनेंगे आप, हो सकता है कि महीने दो महीने बाद हम चर्चा कर ले इसके ऊपर। बिल्कुल सुना। वैसे हाँ, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि आपने, आपके साथ मेरी पिछले एक दो साल में जब भी बात हुई है आपने ये बात बोली है कि पॉलिटिकल पार्टी, आपने हमेशा फुल टाइमर्स की बात की है, आपने हमेशा उस तरह की बातें की है। तो कई बार फोन पे बात हुई है तब भी की है और मेरे ख्याल से इंटरव्यूज में भी बहुत बार इस तरह की बात की होगी जी। तो कमल जी, मैं और आपकी बुक मैंने पढ़ी विशाल भाई, मैं हो सकता है बाद में बोलना भूल जाऊं, आपकी बुक मैंने पढ़ी और उसमें मतलब छोटे मोटे जो फॉर्मेटिंग की त्रुटियां वो तो अलग बात है, लेकिन बुक बहुत कमाल की आपने लिखी है। जो कंपाइलेशन है और जो आपने संगठन किया, मतलब जो आपने इकट्ठा किया है इतना सारा डेटा और जिस तरह से आपने लिखी है वो जो है, क्योंकि मैं ऑथर हूं, मैंने खुद भी 5 बुक्स लिखी है, टेक्निकल बुक्स है हालांकि वो, तो मैं समझ सकता हूं कि इसमें कितनी मेहनत गई होगी। तो वो बहुत अमेजिंग बुक है और वो सबको पढ़नी चाहिए जी। बिल्कुल, उसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, हमारा पार्टी से कोई क्या मतलब है, पार्टी रहे ना रहे हम तो है ही। तो आज तो कोई भी भविष्यवाणी की बात होती तो भविष्यवाणी तो गलत नहीं होती, क्योंकि किसी के प्रति ना प्यार है ना किसी के प्रति द्वेष है, और कुछ है भी तो थोड़ा बहुत क्षणिक है बस, कुछ जिसको बोल दिया बात खत्म, रात की बात हुई। तो ये भी हो सकता है कि अंकुर जी जब गए तो उन्होंने अपनी एक और कमेटी बना दी, उसका अध्यक्ष और ये बना दिया, दूसरा एक और भी पक्ष है, अब क्या हुआ कि वो पक्ष एकम पे अपना अलग दावा कर रहा है, दूसरा पक्ष अपना अलग दावा कर रहा है। अब बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, तो आप लोगों ने कमल जी एक बात तो है, ऐसे ऐसे नेता बना दिए या पैदा कर दिए जिनको पड़ोसी ना जानता हो, उनके कहने से उनके घर में चाय ना बनता हो, वो भी आके अब हमसे ये करते हैं, वो भी पता ही है, हमें डराने की प्रयास करने लगते हैं। बहुत हंसी आती है कि यार कहाँ ये सब लोग पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे भी नेता आप लोगों ने बनाई, इतनी मतलब कहाँ से आपने ढूंढा था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ है। देखिए विशाल भाई, ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं तो नॉर्मली बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजों को देखता हूँ। आप केवल उन नेताओं को मत देखो, आप ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मैं ईमेल संभालता था और मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन देखता था। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, एक ऐसा इंसान है जो हर महीने अपनी माता जी के नाम पे 5,000 रुपए देता था पार्टी में, अब उसने अगस्त से देना बंद कर दिए हैं। उसने कहा कि जब जिस पार्टी में संदीप जी नहीं है और कमल जी नहीं है, ये उसने बाकायदा मेल में लिखा है, तो वो अगर जा रहे हैं तो मैं भी नहीं दूंगा। इस तरह के लोग थे जो हर महीने 100-100, 200-200 रुपए देते थे। तो ऐसे लोग थे, उनको हम ये नहीं कह सकते कि भाई केवल ऐसे लोग आए हैं, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी आए थे, ज्यादातर जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन वाले लोग थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना विशाल भाई, थोड़ी तो हमारे समाज की भी प्रॉब्लम है, वो मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने भी आपको इंटरव्यू में बोला था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मतलब पॉलिटिक्स में मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ज्यादातर लोग जो आते हैं, जो सनातन बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपकी धन से मदद कर देंगे, हम आपकी काम से मदद कर देंगे, हम आपकी श्रम से मदद कर देंगे, लेकिन हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में नहीं जाना। तो चुनावी राजनीति में ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लांटेड होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दाएं बाएं सब जगह पे अपना देख रहे होते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी को देख लो, वो कांग्रेस में भी देख रहे थे, बीजेपी में भी देख रहे थे, इधर एकम को भी चलाना चाह रहे हैं, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है उनका कि लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, इंडिकेटर लेफ्ट का दिया था कांग्रेस की तरफ का और मुड़ गए राइट में, ठीक है। और अभी भी पक्का पता नहीं है, हाईवे को भी वो कब्जा करके रखना चाहते हैं कि ये वाली पार्टी जो है ये तो मेरी बनी रहे एकम, तो पता नहीं कैसे ड्राइवर है टक्कर खाएंगे आगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग R&D बन गए हो सकता है, अभी तो देखने में तो ऐसे ही लगता है बिल्कुल कि कंधों पे पैर रख के, और मतलब एक होता है ना कि आप एक तरह का बेस बना लो और बेस बनाने के बाद वो नेगोशिएट अच्छी तरह से कर पाओगे, हो सकता है। देखिए
इस तरह की बातों को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस बातों का कोई कंक्रीट प्रूफ हमारे पास है नहीं। तो मैं तो अभी भी इसी बात के साथ जाऊंगा। अब तो दिख रहा ना, अब आप गंगा जल लेके कसम खाए उसके बाद फिर वही काम करे तो फिर तो दिख रहा है। कह सकता हूं, विशाल भाई देखिए, उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि इंसान का मन बदल जाता हो सकता है इंसान की विचारधारा बदल जाती हो, लेकिन मैं ऐसे इंसान को दो कौड़ी का भी नहीं मानता जो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए और जिस चीज की कसम खा रहा है उसमें बिल्कुल उल्टा चला जाए। मतलब गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए कि मैं राइट मुड़ूंगा और लेफ्ट मुड़ जाए, इससे अच्छा है कि वो वहीं पे गड्ढा खोद के मर जाए, उसी गड्ढे में दब जाए। मतलब मैं पर्सनली अगर रहूंगा तो मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर मैंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई है कि मैं राइट जाऊंगा और मैं राइट मुड़ नहीं सकता तो मैं वहीं गड्ढा खोद के उसमें घुस जाऊंगा, लेकिन मैं लेफ्ट नहीं जाऊंगा। अब ये सबकी अपनी विचारधारा है, इसमें क्या कर सकते हैं, सब लोगों की अपनी सेंसिबिलिटी है। तो अब इसमें असली नकली का फाइट चल रहा है कहीं, इसका तो यही कंक्लूजन निकलता है कि बाद में वैसे जो मैंने सुना जो मैंने देखा। नहीं, आप ये देखिए कि पहले तो वो तीन तीन कार्यकारी अध्यक्ष बना के गए, तीन में से दो जम्मू से थे, जिसमें से एक तो वेतन भोगी था जिसको हर महीने 15,000 सैलरी जाती थी एकम के अकाउंट से। और ये देखिए ये भी कितना गलत है कि वहां पे जम्मू में उन्होंने एकम के अकाउंट से लोगों को सैलरी बांटी है अपने लोगों को, और ऐसे लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बना के जा रहे थे। मतलब जो उनका एम्प्लॉई है खुद वो बीजेपी में जा रहे हैं और अपने एम्प्लॉई को अध्यक्ष बना के जा रहे थे। ये डॉक्टर चेतन मांझी ने इसका विरोध किया, विरोध में इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो ठीक है ऐसा एक काम करते हैं, मैं कार्यकारी अध्यक्ष बनाता ही नहीं हूं, मैं इन पांच लोगों की बॉडी बना के चला जाता हूं। जिन लोगों की बॉडी बना के गए हैं वो देख लीजिए आप, वो सारे ऐसे हैं जो ये कह रहे थे हमें भी बीजेपी में अपने साथ सेट करवा देना। तो मैं यही कह रहा हूं ना, वो इंडिकेटर लेफ्ट का दिया, मुड़ राइट गए और वो चाहते हैं हाईवे पे भी उनका कब्जा रहे। अच्छा कमल जी, आप कौन सा कला है आपके अंदर, सबसे पहले तो उसको प्रशंसा करनी चाहिए कि जितने लोग आपकी पार्टी से गए वो गद्दार निकले, लेकिन आप लोग तो जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो हालांकि वैसा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप लोग कोई तमगा नहीं मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए ये है ना, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बोला हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं थी, हम तो आइडियोलॉजी के साथ आए थे ना, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई अपनी पार्टी बनाने के लिए आया था, हम तो मदद करने के लिए आए थे उनकी, और मदद हमने हर तरह से की, श्रम से मदद की, काम जितना मैंने किया उसका 1% भी, मतलब मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूं, जितना काम मैंने किया उसका 1% भी अगर अंकुर शर्मा कर लेते ना तो हमारी पार्टी को कम से कम 5 सीटें मिल जाती। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे पता है मैंने कितना काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, तो हमने काम से मदद की, हमने पैसे से मदद की, हर महीने 5,000 रुपए डालता था और 11,000 रुपए शुरुआत में दिए थे, हमने पैसे से मदद की, हमने काम से मदद की, हमने आइडियोलॉजी से मदद की, जहां पे लड़ना पड़ता था वहां पे हम सामने खड़े होते थे कि अध्यक्ष की पोजीशन को बचाएंगे, अध्यक्ष को डाइल्यूट नहीं होने देंगे, तो सब तरह से उनकी मदद की, लेकिन पीछे से वही सरक लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये धोखा है ना, ये उस लेवल का धोखा है जैसा पृथ्वीराज चौहान को मिला था, तो हिंदुओं को उस लेवल का धोखा दिया है, क्योंकि मोदी का धोखा जो है वो एक लेवल का धोखा है, केजरीवाल का धोखा भी एक लेवल का धोखा है, उसने कहा था कि भाई करप्शन हटाएंगे, वो उस हाथी पे चढ़ के आया था करप्शन वाले सवारी पे, मोदी जो है वो हिंदुत्व की सवारी पे चढ़ के आए थे, ये तो शुद्ध सनातनी और जो इस्लामिक जिहाद की बात करता था उस सवारी पे चढ़ के आया था, और ये गड्ढे में जाके गिर गया, क्या कर सकते हैं भाई। तो ये तीन धोखे मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में हुए हैं, मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मैंने सपोर्ट किया था, मैं उसका वॉलंटियर था गाजियाबाद से, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन केजरीवाल बहुत जल्दी एक्सपोज हो गया था, मुझे एक साल में पता चल गया कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी को मैंने सपोर्ट किया पूरा तन मन धन से, उनके लिए मैं हैदराबाद में था उस टाइम पे, उनके लिए हम पैसा डाल के, हमने टीम बना रखी थी और हम पैसा डाल के और येलो पेजेस से फोन निकाल के रैंडम कॉल किया करते थे बीजेपी के सपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि हमने कभी उनसे कुछ मांगा या कुछ किया, लेकिन वहां पे भी हमने पैसा डाला, केजरीवाल के लिए भी हमने तन मन धन से लगे थे। मोदी का जो हमें पता चला वो थोड़ा लेट पता चला, 2014 से लेकर 2019 तक हम इसी मुगालफत में रहे कि भाई ये कुछ करेगा, ये तो मास्टर स्ट्रोक मारेगा, शेर है एक कदम पीछे बढ़ रहा है, वो पीछे बढ़ के पीछे खाई में जा गिरा और साथ में सनातनियों को ले लूंगा। अंकुर शर्मा जो है, फिर हमने अंकुर शर्मा पे ट्रस्ट किया और मैं अपनी इस बात की गारंटी देता हूं कि आगे भी अगर कोई सनातन के लिए खड़ा होगा, हो सकता है हम उसको और ज्यादा ठोक बजा के देखें, लेकिन आगे भी सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि अपने बच्चों के लिए ये धोखा प्रूफ हो चुके हैं आप। क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करें, ऐसे छोड़ के चले जाए क्या? नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं तो एक आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपने क्या करना है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप धोखा प्रूफ हो चुके हैं। उसमें ये होता है ना, उसमें ये होता है कि अगली बार अगर किसी का समर्थन करेंगे या किसी के साथ जुड़ेंगे तो थोड़ा और कॉशियस होंगे, थोड़ा और सावधान होंगे, ठीक है। पर क्या करें, अब ये तो आप ये कह सकते हैं कि स्वभाव ऐसा है, आपका भी तो ऐसा ही स्वभाव है। मैंने तो चलिए हमें प्लेटफॉर्म का क्या, कोई भी आ जाए वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसे तो नहीं करते, क्या करें। नहीं, देखिए ये कहने वाली बात है, आप अपने प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बना सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही तो करना होता है, हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज करके प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही बस वही बात है ना। तो चमड़ी बड़ी सॉफ्ट है, हमारी भी इतनी सॉफ्ट है, हो सकता है आपसे थोड़ी कम ऊपर रहे तो सही सॉफ्ट। नहीं वैसा मैं नहीं कर रहा कि कम ज्यादा, कि मेरा कम है ये है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, जस्ट मैंने बताया अपने बारे में। अच्छा कमल जी, चलिए ये सब तो हुआ सो हुआ, आपके पार्टी में लोग भी आए, लेकिन एक चीज होता है जो अक्सर मैं किसी क्या इंडिविजुअल किसी की बात करूंगा, मैंने अक्सर सुनता हूं मैं कि आप लोग जब से पार्टी बनी आप लोग सिर्फ जो मेंबर्स हैं उनसे एक ही बात करते हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। क्या कुछ उसके बदले ये भी किया जा सकता था कि कुछ काम करके दिखाया जाता तो कुछ अननोन लोग भी सपोर्ट कर जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है विशाल भाई उल्टा है, हमने ना एक्चुअली हमने पैसे की बात बाहर ज्यादा की नहीं किसी से भी, पैसा अगर हमने ज्यादा मांगा होता तो पैसा मुझे लगता है कि मिल जाता। लेकिन इस चीज में मैं अंकुर जी की भी तारीफ, मतलब तारीफ क्या है, वैसे तो ये गलत है कि अंकुर जी ने भी फंड रेजिंग के लिए कुछ नहीं किया, और हमने क्या किया, हमने अपना पैसा ही ज्यादा जलाया। अब हम ये कहते थे कि भाई अगर हम हर महीने इतना दे रहे हैं तो क्योंकि आप भी स्टेट प्रेसिडेंट हो या आप ये वाले प्रेसिडेंट हो तो आप जितना हम दे रहे हैं उसका आधा दे दो, ठीक है। तो ये हमारी गलती रही है कि हमें प्रॉपर तरीके से फंड रेजिंग जो है वो कॉर्पोरेट फंड रेजिंग करनी चाहिए थी, बट वो कॉर्पोरेट फंड रेजिंग का कोशिश भी हुई थी, शुरू में टीम भी बनाई थी, उस चीज को हम लोग क्रैक नहीं कर पाए, वो कॉर्पोरेट फंडरेजिंग वाली चीज है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज जो था वो ऑप्शन नहीं था कि हम ये कहें कि हाँ ठीक है हम आपका थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज कर देंगे थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। और कॉर्पोरेट फंडरेजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम पॉलिटिकली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तब जाके कॉर्पोरेट फंडरेजिंग आएगी, जब तक हम पॉलिटिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब तक कॉर्पोरेट फंडरेजिंग नहीं आएगी, तब तक हम इस पार्टी को अपने बलबूते पे चलाएंगे, और अपने बलबूते पे ये पार्टी चल सकती थी। जैसा मैंने बताया अभी जून जुलाई तक भी पार्टी में एक साल का फंड था, जैसे ही मियां जी को पता चला कि हाँ अब तो मैं इधर जा रहा हूं, सारा गायब। क्यों? कोषाध्यक्ष उनका था, कोषाध्यक्ष तो ऐसा निकला कि उसने रिजाइन किए बिना बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये जो फंड जीरो हुआ है, ये फंड जो जीरो हुआ है ये मेरे ख्याल से ये सारा साफ करने की वजह से जीरो हुआ है कि उन्होंने एक साजिश के तहत उन्होंने ऐसा किया है। और आप देखिए ये 26 तारीख का इवेंट था, 26 तारीख के इवेंट से 24 तारीख को 23 तारीख को न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं, 22 तारीख को उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन की जेपी नड्डा जी के थ्रू। तो 26 तारीख को उन्होंने ये सबको मैसेज डाला, हो सकता है आपको भी आया हो पता नहीं, सब लोगों को बाकायदा फोन पे पर्सनल मैसेज भेजा कि पार्टी विलय हो रही है। जब उनको अच्छी तरह से सुनाया गया उनकी भाषा में कि अगर ये बात आपने कहीं पे बोल दी कि पार्टी विलय हो रही है तो देख लेना कि कोई बुरा नहीं होगा, मैंने खुद भी ट्वीट किया है, ठीक है। तब जाके उन्होंने इस बात ये नहीं बोला कि पार्टी विलय हो रही है, लेकिन मीडिया में छपवा दिया, दाएं बाएं से बुलवा दिया, ये सबको पता है कि कैसे बुलवाते हैं, ऐसी अपनी ऐसी ऐसे लोगों से बुलवा दिया जो उनके साथ सेट होने के लिए चाह रहे थे। तो उन लोगों को जवाब जो है वो देना चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग टीम है मैं उसे मैं हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ एग्जिस्टिंग टीम का, जैसा भी मैं बाहर रहकर जैसा भी सपोर्ट मुझसे चाहते हैं, अगर मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके बाहर चौकीदारी करूं, अभी जो एग्जिस्टिंग टीम है एकम सनातन भारत दल की, जब तक वो सही है तब तक अगर वो ये कहेंगे कि भाई बाहर गेट पे चौकीदारी कर लो, मैं चौकीदारी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब छोटे छोटे बड़े कामों में। कमल जी आपने उस समय थोड़ा सा रिजाइन करने में देरी ना की होती तो अच्छा है कि जिनको कानपुर निकलना था उनको निकलने देते और आपको आज चौकीदारी नहीं करनी पड़ती, आप लोग पार्टी वैसे किसी को हैंड ओवर करके आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। देखिए विशाल भाई आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती तो की है थोड़ा जल्दीबाजी में ही, सही एक कहावत है इंग्लिश में विशाल भाई, एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर इन हाइंडसाइट, है ना।
तो हाइंडसाइट में तो सब डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मैं अभी कहूं कि उस टाइम पे ऐसा कर सकते थे तो ऐसा हो जाता, लेकिन उस टाइम पे आप ये सोचिए पार्टी को बचाना है तो नहीं, पार्टी को बचाने की मैं बात कर रहा हूं, पार्टी को बचाने के लिए उस टाइम पे पार्टी की इज्जत बचाना भी तो एक चीज होती है ना, इज्जत, इज्जत जो ट्रस्ट है, जो ऊपर के लोगों पे जो ट्रस्ट है वो बचाना भी तो वही तो मेन है, उसी से तो पार्टी बनती है। अब देखिए जनता पार्टी जो है वो ऐसा तो है ना कि खत्म हो गई है, लेकिन जनता पार्टी पेपरों से खत्म हो गई है, लोगों के दिमाग से खत्म हो गई है। तो एकम सनातन भारत दल के साथ वही करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं कि एकम सनातन भारत दल खत्म हो जाएगी, एकम सनातन भारत दल को नैरेटिव के थ्रू खत्म किया जा रहा है। अब उसमें क्या है कि अगर मान लो हम रहते पार्टी में, अगर हम पार्टी में रहते तो हमारी इज्जत को खत्म कर दिया जाता नैरेटिव के थ्रू, क्योंकि हमें यह दिखाया जाता कि इनको पद का लालच है, उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल होता, इसको काउंटर करना थोड़ा आसान है। ठीक है, मुझे जो लगता है, क्योंकि दोनों तरह की लड़ाई जो है वो हमी को लड़नी, आपका लगना और हैंडो बड़े सही और है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम पार्टी में होते तब ये बिना रिजाइन दिए नहीं जाते, तब ये ऐसे करते वैसे करते, तब भी सेम क्रोनोलॉजी होनी थी, क्योंकि ये वो अपने मुंह से बोल चुके हैं, ये तो वो ये वो अपने मुंह से दस बार बोल चुके हैं कि हाँ मैं तो पार्टी को ढंग से ये तो अपने मुंह से बोल चुके हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो देखा जाता है। देखिए इसमें ये है कि सही सही गलत के बजाय ये है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और ऐसा करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप इसमें से वैचारिक कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब वैचारिक मतलब पर्सनल इज्जत बेइज्जती हटा दो, क्योंकि पर्सनल इज्जत बेइज्जती जो है वो पार्टी के साथ अटैच है। आज मेरी बेइज्जती होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष बनता हूं और फिर मेरी बेइज्जती होती है तो वो पूरी पार्टी की बेइज्जती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इज्जत बेइज्जती जो है वो उसको कोई पर्सनल लेके चल रहा है कि मुझे तो पर्सनली अपनी इज्जत बचानी है। लेकिन जब हम उस पद पे हैं, अगर उस पद पे रहते हुए अगर हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है और वो जो अटैक है उसको नैरेटिव के थ्रू सही सेट कर दिया जा रहा है, पार्टी तो फिर भी नहीं मिलती, अभी जैसी अब मिल रही है वैसी तब मिलनी थी, तब भी बिना लड़ाई के ये पार्टी मिलनी नहीं थी, क्योंकि देख लीजिए आप, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, होता कुछ और ही है। ठीक, तो पार्टी तो वो ना तब देने वाले थे ना अब देने वाले थे। अब ये है कि बाहर से लड़ना थोड़ा आसान है हमारे लिए, और बाहर से ये है कि पार्टी को रिस्पेक्ट, पार्टी की इज्जत बचाना थोड़ा ज्यादा आसान है, केवल केवल इतनी सी बात है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि पार्टी का संविधान भी जमा नहीं हुआ है। मैंने बताया तो पार्टी का संविधान जो है वो 10 दिसंबर 2023 को फाइनल हो गया था, उसको लॉन्च किया था बाकायदा अंकुर शर्मा ने खुद, यहाँ पे मीटिंग हुई थी यहाँ पे दिल्ली के ऑफिस में, उसके बाद से अंकुर शर्मा को 10,000 बार हम कह के मर गए कि भाई इसको जमा करा दो, क्योंकि जमा जो होंगे वो अध्यक्ष के सिग्नेचर से जमा होंगे, और पूरा उसका प्रोसेस है कि किस तरह वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी की, ये वो। ठीक है, इन्होंने वो डिले करते गए। अब शुरू में हमें लग रहा था कि ये तो नेचुरल डिले है, कि कोई बात नहीं, 2024 का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कैंपेन चल रही है, अभी तुम क्यों संविधान के बारे में बात कर रहे हो। फिर बोला ये करना है, अरे अभी रुक जाओ, अभी मैनिफेस्टो बनाना है, ये करना है वो करना है। हम जो पार्टी का संविधान बना है उसमें अंकुर जी का इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा वाला जीरो है, एक लाइन भी नहीं उन्होंने लिखी है। हमने उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के पढ़ाया है, जबरदस्ती दो दो मीटिंग करके संदीप जी ने बैठ के पढ़ाया है कि ये देखो हम ये लिखने वाले हैं, ये देखो हम ये लिखने वाले हैं, हर एक चीज में हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से बिना सुने हाँ 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 कर रहे थे हर एक चीज में, तो वो हाँ 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 करते रहे। और बाद में हमने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च करना है, उन्होंने लॉन्च कर दिया, सब लोगों ने ताली बजा दी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो गया। फिर हम उनसे कहते रहे इसको जमा करा दो। अब हम हाथ जबरदस्ती पकड़ के तो सिग्नेचर करा नहीं सकते, हम यही कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो बनाया है वो मैंने अपने लैपटॉप पे बनाया है, उसके लिए जो डिस्कशन हुए हैं वो मेरे और संदीप जी के बीच में 99% डिस्कशन हुए हैं, और बाकी हमने और लोगों से सहमति सलाह ली है, और उसको हर एक चीज को अंकुर जी को बताया गया है, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, और जबरदस्ती बताया है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में। उसके बाद जमा कराने के लिए उसमें हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम नहीं करा सकते थे, उसको अंकुर जी को ही कराना था, और ये बात सही है, उन्होंने नहीं कराया। कमल जी, ये सब चीज जब आप लोग इग्नोर करते रहे लंबे समय तक, करते रहे, एक साल कम समय नहीं, नहीं नहीं इग्नोर नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, ये नहीं नहीं इग्नोर नहीं हुआ ये बिल्कुल भी। आप देखिए मैसेज भरे पड़े हैं सब लोगों के, कुछ लोगों ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, फिर एक बंदा था उसने आरटीआई करके कॉन्स्टिट्यूशन निकलवाया, फिर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग है, हमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी जमा नहीं हुआ है, जमा होने वाला है, आपको मैसेज देख लीजिए अंकुर जी के, कितने सारे मैसेज है कॉन्स्टिट्यूशन जमा कराने के। और फिर बोला गया कि अच्छा ठीक है,
ये अंकुर जी ने कह दिया कि अच्छा एक काम करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा से डिस्कशन करो। अब दोबारा डिस्कशन चालू हो गया। ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया गया बिल्कुल भी, हर एक चीज का फॉलोअप लिया गया है। तो फिर ये सारी बातें तो जो है उनके छोड़ने से पहले भी तो हो सकती थी। अब तो ये अंदर के लोगों को सब बातें पता है, ये अंदर के लोगों को सब बातें पता है, अंदर के लोगों को ऐसा नहीं कि ये बातें पता नहीं। तो बात आती है कि उसमें सबका अपना अपना ग्रुप गिरोह बना हुआ था। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे लार्जली सब लोग अग्री थे, बस एक पॉइंट था, वो पॉइंट भी मैंने डाला था और वो पॉइंट भी इन्हीं को सुरक्षित करने के लिए डाला गया था। वो ये था कि जो संस्थापक प्रेसिडेंट है, उन संस्थापक प्रेसिडेंट का कार्यकाल हमने अनिश्चित कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, इस पे दोबारा से डिबेट कर लेते हैं, तो हमने कहा ठीक है, इनका तीन साल का कर देते हैं। लेकिन वो तीन साल के बाद वाला जो कार्यकाल था उसका भी तो इन्होंने सबमिट नहीं किया, और वो हमने खूब बोला इनको कि सबमिट कर दो, नहीं किया। अब ये था कि हम बुराई जो है वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा आने नहीं देते थे, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट की चेयर थी। तो अगर कोई हमसे पूछता था कि संविधान जमा क्यों नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा उसमें कि भाई अंकुर जमा नहीं करा रहे। लास्ट में तो हमने बोलना शुरू कर दिया था, अप्रैल से हमने बोलना शुरू कर दिया था कि ये सवाल आपका बिल्कुल सही है, आप जाके अंकुर जी से पूछ लो कि क्यों नहीं जमा करा रहे। अप्रैल से हमने ये बोलना शुरू कर दिया था। अच्छा कमल जी, आपकी पार्टी से जितने लोग छोड़ के गए हैं, आप लोगों ने उनकी कमियां बतानी शुरू की उनके जाने के बाद, रहने के दौरान क्यों नहीं उनको सुधारने का प्रयास किया या फिर उनको रास्ता दिखाने का प्रयास किया? नहीं, जब निकाला गया है तो निकाला तो प्रोसेस के थ्रू ही गया है ना विशाल भाई, और निकालने से पहले मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई है। जैसे जो मध्य प्रदेश के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनको जब निकाला गया था तो निकालने के प्रोसेस में 2 महीने लगे थे, और उससे पहले उनके खूब मीटिंग हुई थी, उनको वार्निंग्स दी गई थी, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं कर। ये जो अभी प्रवक्ता बने बैठे हैं उत्तराखंड के विनोद साई, इनको 10 बार निकालने की बात हो चुकी है, पर इनके लिए ये था कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और ये खुद कह चुके थे मुझसे परफॉर्म हो ही नहीं पा रहा है, मुझसे परफॉर्म हो नहीं पा रहा है। पर ये था कि ये जहां भी जाते थे अकेले झंडा लेके खड़े हो जाते थे, तो ठीक है भाई, कम से कम एक आदमी तो है खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको निकाला गया है उसको अचानक निकाला गया, उसके पीछे लंबा प्रोसेस रहा है। ऑब्वियसली वो बाद में दिखती है चीजें, जब तक अंदर इंटरनल प्रोसेस चल रहा होता था तब तक वो पब्लिक में तो आता नहीं था ना। तो हो सकता है कि सामने की परसेप्शन ऐसी आ रही हो, लेकिन ऐसा अच्छा, ऐसा ठीक है, परसेप्शन तो यही है कुछ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंकुर शर्मा गए, आप लोग भी थे पार्टी में, सब कुछ चलता रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कमल रावत जी को पूरी तरह से क्लीन चिट हर मामले में दिया जा सकता है क्या, कि कमल रावत जी ने हर चीज को अनजाने में हुआ या जानते भी थे तो पार्टी की वजह से चुप रहे, क्या हर तरीके से क्लीन चिट दिया जा सकता है क्या? देखिए, जब भी हम किसी इंसान का एनालिसिस करते हैं तो उसके रोल के अगेंस्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए मैं किसी पार्टी में, मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में खाना पीना पेंट्री संभालता हूं, तो आप मेरा इस बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते कि उस पार्टी की डेवलपमेंट कैसी हो रही, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो रही है। या मान लीजिए अगर मैं प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा हूं, तो आप मेरा एनालिसिस इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि देखो ऑफिस में सफाई कितनी थी। ये तो सही बात है ना, क्योंकि वो मेरे रोल में नहीं आता। ऑफिस हो सकता है गंदा पड़ा हो बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम डेवलपर हो ऑफिस क्यों गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो, मेरा डेवलपर हूं। तो मेरा जो रोल था, मेरा रोल था ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात के 5 बजे, रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे लेटर ड्राफ्ट कर करके मैंने दिए। जब लेटर ड्राफ्ट करना था तब मैंने लेटर ड्राफ्ट करके दिया है। जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी है, चाहे वो झंडा हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैनिफेस्टो हो, चार्जशीट हो मोदी के खिलाफ, वो सारी चार्जशीट की एक की भी डेडलाइन मिस नहीं हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अंकुर जी ने ये बोला हो कि हमें इलेक्शन कमीशन में ये लेटर भेजना है आज, और मैंने कहा हो और मैंने वो आज की जगह कल भेजा हो। तो प्रशासनिक महासचिव का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पार्टी पॉलिटिकली कैसा परफॉर्म करेगी। ये तो मेरा अगर एनालिसिस होगा तो मेरा एनालिसिस मेरे रोल के अगेंस्ट होगा। मेरे रोल के अगेंस्ट अगर मैं खुद अपना अप्रेजल करूंगा तो वो सही नहीं है। लेकिन आप किसी बिल्कुल आप मत कीजिए, लेकिन मेरा लेकिन ये बात मैं अंकुर जी का आज की डेट में धुर विरोधी हूँ। आप अंकुर जी को बुलाओ इंटरव्यू में और उनसे पूछ लो कि क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि लेटर ड्राफ्टिंग में डिले हुई हो, डिजाइन बनाने में कुछ डिले हुई हो। ये लेटर हेड का जो डिजाइन है ये मेरा अपना है, ये मैंने 3 बार बना के दिया है। लोगो जो बनाया है वो मैंने बना के दिया है, जब मांगा नहीं गया था उससे पहले बना के दिया है।
मैंने कहा कि इस लोगों में ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक कर लेते हैं, इसमें ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस इस बेसिस पे करेंगे कि पार्टी ने, पार्टी को एक भी एमपी नहीं मिला, एक भी एमएलए नहीं मिला, तो ये जो फेलियर है ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरा रोल नहीं था और ये मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था। वैसे भी मैं अपॉलिटिकल आदमी हूं, तो ना मेरा ये रोल है ना उस तरह की मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो मेरा जो अगला सवाल है, पहले मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, मेरा नॉन डिजर्विंग से मतलब ये है कि कोई सिविल इंजीनियर जाके कहीं किसी का सर्जरी करने लगे इस तरह से, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पार्टी थी, एक पूरा ग्रुप थी नॉन डिजर्विंग लोगों का, जो कि पॉलिटिकली कहीं से कैपेबल नहीं थे? देखिए इसमें विशाल भाई, या तो मेरा ये हो कि मैं पॉलिटिकली बहुत बड़ी समझ रखता हूं तो मैं दूसरों को एनालाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल उतनी बड़ी समझ नहीं रखता। मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूं, एक आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे वो सारे हमारे आपके जैसे ही लोग थे शुरुआत में, बहुत सारे उनमें से, मतलब सारे सारे तो नहीं, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स थे, और वो जो फर्स्ट टाइमर्स थे वो ऐसे थे कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे, आम आदमी पार्टी ने जो भी अपनी आइडियोलॉजी शुरुआत में दिखाई थी एंटी करप्शन वाली, उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट होकर आए थे। ऐसे ही 2014 में जितने लोग जो एमपी बने थे वो आइडियोलॉजी की वजह से ज्यादा आए थे, वो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का उफान था। तो पॉलिटिक्स में परफॉर्म करने के लिए आइडियोलॉजी भी एक व्हीकल होता है मेरे हिसाब से। अब इनको मैं नॉन डिजर्विंग बोलूं, डिजर्विंग बोलूं, तो हम किस किस की बात करें? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ब्रांडिंग करा के चले गए। नॉर्मली फायदा सबको होता है पॉलिटिक्स में। अगर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे भी फायदा हुआ है। मैं आपको जान गया, विशाल जी को जान गया, मैं देश भर में इतने सारे लोगों को जान गया, दुनिया भर में इतने सारे लोगों को जान गया, तो ये जो है ये मेरा व्यक्तिगत फायदा है। ऐसा व्यक्तिगत फायदा सबको होता है। और उस फायदे में क्या होता है कि इंसान का कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर तो पहले से इंसान के अंदर होता है, ऐसी सिचुएशन में इंसान का कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाता है कि देखो ये कैरेक्टर का बना हुआ था, कैरेक्टर तो पहले से सेम ही होता है। तो ऐसे में जिनका अच्छा कैरेक्टर था वो भी डिस्प्ले हुआ है, और जिनका कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज का था वो भी डिस्प्ले हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा से जो अभी जो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नॉर्मल जॉब से रिटायर्ड, सरकारी जॉब से रिटायर्ड थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने किस तरह के डिसीजन लिए हैं, किस तरह से परफॉर्म किया है, और किस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है हर एक चीज के लिए। कहीं से लगता ही नहीं कि राजनीतिक अपरिपक्वता है। आप इसी चीज को आप थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। मेरा मतलब यह है कि देखिए, आज नरेंद्र मोदी हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी जगह पे किसी और को भी लाके बिठा दिया जाए तो वो पार्टी चल जाएगी, क्योंकि पार्टी का ऑलरेडी बेस है। आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट से बनी थी, उस पे सवार होकर लोग आए थे, एक माहौल चल रहा था। जब आपकी पार्टी बन रही थी तब मैंने अंकुर शर्मा जी को कुछ सलाह दिए थे। उस दिन मेरे पास एक ही दिन में 3 बार फोन आया था। अब शायद मैं 3 बार फोन भी करूं तो शायद नहीं उठाएंगे, दिन क्या 30 बार भी करूंगा तो नहीं उठाएंगे। उस दिन आया था तो अंकुर शर्मा जी से मैंने जो बातें कही वो मैं आपको आज बता रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि आप एक मूवमेंट खड़ा करो, ऐसे पार्टी नहीं बनती। और मैं अब अपनी दूरदर्शिता के बारे में क्या बोलूं, जब एकम सनातन भारत दल नहीं था तब मैंने अंकुर शर्मा जी को फेस टू फेस बता दिया था कि राजनीतिक पार्टियां बनती है तो उनका हश्र क्या होता है। वो भी बड़े बड़े नेता जो कि नाम जिनका था, वो बहुत पहले की बात है, मतलब 1 साल पहले, एकम बनने के 1 साल पहले वो आए थे। तो मैंने उनको जो सजेशन दिए थे, एक तो आप एक कोई मूवमेंट खड़ा करो जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर सके, उस मूवमेंट के जरिए क्या होगा कि आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा कि आप लिमिटेड जगह पे लड़ो, और नेता अक्सर वोट मांगने जाते हैं, आप एक बार समस्या जानने जाओ, आप करो ना करो जाओ तो सही, एक बार कम से कम उसी बहाने तो मिल भी तो लोगे, कम से कम लोगों को ये भी तो लगा गया एक नया प्रयोग है, ये करो। तो बस वही बात थी, नोटेड, ठीक है, इसके ऊपर काम किया जाएगा बिल्कुल, ना तो कभी कहा नहीं। नहीं, अब क्या होता है, जी आप कम, तो मैं अगर बोलूं तो मैं क्या ना, विशाल भाई क्या है ना कि जो आप बोल रहे हैं ना,
सेम टारगेट सबको दिया गया था, है ना। मतलब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनको भी यही बात बोली गई थी कि आप अपने प्रदेश में गांव के हर एक मंदिर तक रीच आउट करो, हर एक मंदिर पे ये सप्त संकल्प लगा दो, जैसे नॉर्मली वो जो किया जाता है। अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई सब लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो किसी ने 80% परफॉर्म किया, किसी ने 20% परफॉर्म किया, किसी ने 10% परफॉर्म किया, किसी ने 5% परफॉर्म किया, लेकिन हर इंसान ने काम किया था उस तरह से। और आप इसको ये मत सोचो कि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये था कि हम इतने मतलब हम इसी लोकसभा चुनाव में हम कोई करिश्मा करने वाले हैं। इस लोकसभा चुनाव का मैंने ये बात पब्लिकली भी बोली थी कि इस लोकसभा चुनाव का हमारा टारगेट था कि अंकुर शर्मा जो है वो किसी तरह से लोकसभा में पहुंच जाए, ताकि वो वहां से जब मोदी कुछ भी बोले तो हमारी एक वॉइस होनी चाहिए। और हमें ये था कि अगर वहां पे वो बोलेंगे तो 5 साल के अंदर अंदर हम पेनिट्रेट कर जाएंगे गांव गांव तक, क्योंकि एक लोकसभा का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा। हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये बात सत्य है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो जो अभी शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं और वो सब, तो ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने हमको प्लेटफॉर्म नहीं दिया। हमारी आशा थी कि इनमें से कुछ लोग हमें प्लेटफॉर्म देंगे, बट ठीक है, नहीं दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें पूरी तरह से बायकॉट किया। जब स्टालिन के खिलाफ हमारी पार्टी ने FIR की थी तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी तरह से दबा दिया गया उस खबर को, वो इतनी बड़ी खबर थी। आप कह रहे हैं ना कि इस तरह का कोई मूवमेंट करो, तो स्टालिन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होना वो उसी तरह का मूवमेंट था। ठीक है, उसकी खबर नहीं बन पाई, लेकिन ये जो खबर है ना, ये थोड़ी थोड़ी खबर हमारी हर जगह पे थी। जैसे तेलंगाना में एक बड़ा ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला था, कर्नाटक में एक बड़ा ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला था, बट ऑब्वियसली वी शुड हैव अवर हाउस इन ऑर्डर, पहले हमारा घर करेक्ट होना चाहिए तभी हमें ज्वाइन करेंगे लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वेट कर रहे थे, और एक साल के अंदर अंदर हम अगर लाखों लोगों का समर्थन साथ में लाए हैं, लाखों लोगों का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से करीब 60-70 हजार वोट मिले हैं, और 60-70 हजार वोट हमें 20 सीटों पे मिले, 20 सीट्स पे। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आराम से हम ये मान सकते हैं कि 10-12 लाख लोगों का समर्थन एकम सनातन भारत दल को अभी भी रहा होगा 2024 लोकसभा में। तो ये तो है, ये ठीक ठाक अचीवमेंट है। आप जहां भी रहते हो, मेरा कोई ये नहीं, आप अपने होम टाउन ना जाए, आप भी नॉमिनेशन कर देंगे ना तो 4-5 हजार लोकसभा में वोट मिल जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जितने लोगों ने चुनाव लड़ा होगा आप देख लीजिएगा, इसी के आसपास होता है, 3-4-5 हजार वोट मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वोकस वोटिंग भी होते हैं। तो इस चीज को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। और जो अंकुर शर्मा की बात करें तो मेरी एक दो लोगों से बात हुई थी, मैंने बोला था पहले भी कि 10 हजार भी वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने चुनाव के दिन के काउंटिंग तक बोलते रहे कि अंकुर शर्मा अगर हमारे पास मतलब रिसोर्सेज रहे, फंड रहे, तो अंकुर शर्मा का एक सीट हमारा निकल जाएगा। आप लोग लास्ट तक बोलते रहे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। वैसे ये इस तरह से बोलना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये शुरुआत में अगर हम बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे अंकुर जी ने डिसाइड किया था जम्मू में कि वो मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका अपना डिसीजन था, और हमने इसको बिल्कुल काउंटर नहीं किया। हमने कहा यह आपकी सीट है, आप जैसे भी चुनाव लड़ना चाहें वैसे लड़ो, ये उनका कॉन्शियस डिसीजन था। तो बाकी पूरे देश भर में हम मोदी पे हमला कर रहे थे, लेकिन जम्मू में उन्होंने कहा कि हम केवल अपने पॉजिटिव कामों को गिनवाएंगे। तो उन्होंने अपने पॉजिटिव, वो रसाना, खटुआ, इस सब पे बात की, लेकिन उन्होंने ना मोदी पे हमला किया ना बीजेपी पे हमला किया, उनके लोकल कैंडिडेट पे हमला किया लेकिन मोदी पे हमला नहीं किया। अब ये इसके पीछे का कारण क्या रहा वो मुझे पता नहीं। और इसी तरह से जम्मू का जो पूरा सिस्टम था उसका डिजिटल कैंपेन जो है वो हमने मैनेज, वो मतलब हमने मतलब वो दिल्ली की टीम ने मैनेज किया था, लेकिन वहां पर किस तरह का नैरेटिव बनेगा, डिजिटल में मैसेज क्या जाएगा और ये सारा कुछ क्या होगा, ये पूरा अंकुर जी के ऊपर छोड़ दिया था। हमने कहा कि बाद में ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर किसी तरह की बुराई आए कि भाई मैं तो ऐसे कैंपेन चलाना चाह रहा था और तुमने ऐसे चलाया, और मैं तो वैसे भी मैं तो पर्सनली वैसे भी बीच में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ज्यादा पॉलिटिकल अनुभव होगा तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन इसमें सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी जगह पे, जैसे असम में हम चौथे नंबर पे आए हैं, तो चौथे नंबर पे अगर हम आए हैं और 10,000 वोट मिली है, तो 10,000 वोट अगर चौथे नंबर पे आके मिली है तो हमसे नीचे 8-10 लोग हैं, तो वो जो और 8-10 लोग जो है वो समझ आता है,
वो समझ आता है, असम वाला समझ आता है, असम वाला के अलावा कोई समझ नहीं आता। तो असम वाले दो हैं इस तरह के, ठीक है, दो इस तरह के, चार और जितने रहे वो समझ आता है। और ऐसे काफी सारी हमारी जो है, मतलब करीब 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पे हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है। तो जो भी हमारा कैंडिडेट अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड था, उसका नॉमिनेशन लार्जली, मतलब 80% ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है। जैसे राजस्थान में हमारे जो कैंडिडेट थे वो ज्यादा मजबूत थे, मध्य प्रदेश में हमारे एक दो कैंडिडेट ज्यादा मजबूत थे जिनका रिजेक्ट हो गया था नॉमिनेशन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो है हम बहुत अच्छी तरह से कैंडिडेट थे जिन्होंने खुद रिजेक्ट भी करवा लिया। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी रहे हैं, और उसमें दोनों तरह के कैंडिडेट रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे शायद जिन्होंने मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट तो डेफिनेटली रहे हैं जिन्होंने डर के मारे रिजेक्ट कराया कि उनके पास फोन कॉल चला गया है इनकम टैक्स से, ईडी से, और उन्होंने उन्होंने वापस ले लिया नॉमिनेशन, क्योंकि सब लोग साधारण लोग हैं, सब लोगों को डर लगता है स्टेट से डायरेक्ट लड़ने में। कुछ ऐसे भी हो सकता है जिन्होंने आलस के मारे वो कराया हो, जिनको पता हो कि यार मुझे जीतना तो वैसे भी नहीं है, क्यों बेकार में और 10-12 लाख रुपए खर्च करने, इसके कारण भी कुछ लोगों ने अपना रिजेक्ट कराया हो। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ कि मोटा मोटा मेरे ख्याल से हमारे जो 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 लोग एकम सनातन भारत दल को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं देश भर में और दुनिया भर में, ऐसे लोगों की संख्या मेरे हिसाब से, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेटा माइनिंग में करता रहता हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की संख्या जो है वो कई लाखों में है। मतलब हो सकता है 10 लाख ना हो, 8 लाख हो, लेकिन वो बिल्कुल 1 लाख नहीं है और वो बिल्कुल कुछ हजार नहीं है। तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे आपका जो समर्थक वर्ग है 8 लाख भी मान लीजिए या 5 लाख ही मान लीजिए, इतना बड़ा जिस पार्टी का समर्थक वर्ग हो, मैं शुरू से जानता हूं सब चीजें, जब आपकी पार्टी बनी थी ना तो उस समय ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, और उस समय थोड़ा क्रेज था सुनिए, तो आप देखिए डे बाय डे, हाँ तो आप ये देखिए अगर ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब कितने लोग जानते हैं। जी ठीक है, नो डाउट जानते होंगे, लेकिन ये तो है कि डे बाय डे चाहे जिस वजह से आप लोगों का समर्थन घटता चला गया, इसको डाउनफॉल देखा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, वैसे उसकी ज्यादा रफ्तार से एकम सनातन भारत दल का खत्म हुआ, हमने देखा हुआ है। तो मेरा इस मामले में थोड़ा अलग ओपिनियन है, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत हो, बट मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली कुछ लोग जो है वो निकाले गए हैं, उसके कारण अलग से नैरेटिव भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन जो निकाले गए हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 10-15-20, 20 से ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा होगा तो 50 लोग मान लीजिए। कैरेक्टर असेसमेंट करेंगे कमल जी, मैं आप दोस्त हैं, बहुत बढ़िया दोस्त हैं, कल कोई बात हो, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, किसी को फर्क, कोई बोलेगा कि कमल जी क्या आज आते नहीं है, तारे आजकल कोई बिजी होंगे ये होंगे, और मैं कल आपके खिलाफ गाली गलौज करने लगूं, आप मेरे खिलाफ गाली गलौज करने लगे, तो जो थर्ड पर्सन होता है ना तो उसको ये लगता है कि दोनों नीच है। सही बात है। आपको लगता है कि ये चीज कुछ ज्यादा हुई थी? इसमें दोनों साइड की चीजें विशाल भाई, कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैं आपको गाली दूं और मैं आपको कहूं कि विशाल चोर है, और आप अगर पलट के जवाब ना दें तो फिर सब लोग जो है वो ये बात मान भी लेते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी, तभी वो पलट के जवाब नहीं दे रहा है। हो सकता है कि ये 100 रुपए का इल्जाम लगा रहा है और उसने 10 रुपए की हेराफेरी की हो, अगर वो हेराफेरी नहीं करता तो वो पलट के जवाब नहीं देता। तो आप देखेंगे जितने भी लोगों के खिलाफ इस तरह का जो पब्लिक में हुआ है, उन लोगों ने इनिशिएट किया है ये ज्यादातर, ये ना उन लोगों की तरफ से ये इनिशिएशन आया है, और कुछ लोगों ने पब्लिकली इनिशिएट किया है, कुछ लोगों ने पब्लिकली इनिशिएट नहीं किया, पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश की है। जैसे कुछ थे हमारे जिनको निकाला गया था, वो क्या कर रहे थे, वो सारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स का एक अलग ग्रुप बना रहे थे कि एक काम करते हैं हम अपना एक अलग ग्रुप बना के और एकम के अगेंस्ट एक पार्टी लॉन्च करते हैं। तो उसमें अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसका उसकी रेपुटेशन को अगर अटैक ना करो, उसके इस कृत्य को अटैक ना करो, तो फिर क्या होता है, फिर आप थोड़े हल्के मान लिए जाते हो। जैसे मुझे आज भी लगता है कि जब पंजाब में मोदी के ऊपर मोदी का गाड़ी को रोक दिया गया था, मोदी की गाड़ी को एक फ्लाईओवर के ऊपर, उसका जवाब अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग
डिसीजन लेकर देती, बहुत सख्त जवाब देती, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस पर पंजाब में अच्छी होती, क्योंकि उन लोगों को लड़ते हुए दिखता। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी है या बुरी है, मैं केवल इस पॉइंट के ऊपर कह रहा हूं कि जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी, मैं इसमें एक और एडिशन में करना चाहूंगा, अगर आप चुप रह जाते हैं फिर भी लोग आपको गलत मान लेते हैं, और कुछ लोग वैसे भी हैं कि वो आपको वैसे ही मान लेंगे, उनकी छोड़ दीजिए, वो कैटेगरी सबकी होती है। इसमें आप सही कह रहे हैं, सिंपैथी सपोर्ट भी मिलती है। हाँ, इसमें उस तरह की सपोर्ट मिलती है, ये सही बात है। लेकिन ये होता है ना कि अगर आप एक बार सफाई दे दिया आपने या उसका काउंटर कर दिया तो समझ आता है, फिर आपको लगता है कि जो भी आपके शुभ चिंतक है, आपके जो विरोधी हैं वो विरोधी रहेंगे ही, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे भी होंगे, आपके भी हैं, सबके हैं, किसी के जो आप जो मतलब क्या बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके विरोधी समर्थक दोनों लोग मिलते हैं, दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब क्या होता है कि ऐसा भी तो होता है ना कि आपने ज्यादा अगर किसी चीज की सफाई देनी शुरू कर दी तो लोग और भी आपको गलत मान लेते हैं कि यार ये कुछ ज्यादा सफाई दे रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या तो ये होता है कि एक बार में उस मामले को क्लोज कर दें, एक होता है कि उस मामले को लंबा खींचे, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने ऐसी चीजों को लंबा खींचा जो कि आइडियली नहीं खींचा जाना चाहिए था? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, आप जो है मतलब आई टेक इट एज फीडबैक, हो सकता है कि कुछ मामलों में लंबा खींचा गया हो, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है उसके साथ मैं अग्री नहीं करता कि लोग जो है हमारे साथ जुड़ नहीं रहे। आज मैं आपको मतलब अभी जब मैंने छोड़ा था 10 तारीख को, 10 तारीख तक लोगों की डेली बेसिस पे मेल आ रही थी, जब भी कोई पार्टी उस पे, जब भी कोई इंसान ऑनलाइन पोर्टल पे हमारा रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी ईमेल आती है, तो 10 तारीख तक तो मैं ईमेल चेक कर रहा था, तो लोगों की ईमेल जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही थी, लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं, बड़े लोग भी जुड़ रहे थे और छोटे लोग जो मास जो वाले जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे थे। अब संख्या जो है, संख्या के ऊपर डिबेट की जा सकती है, डेली बेसिस पे ऐसी 15-20 मेल आती थी लोगों की, और बड़े जो संगठन थे वो बीच बीच में उनसे बात होती रहती थी, कुछ जुड़ते थे कुछ नहीं जुड़ते थे, कुछ ये कहते थे कि अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, तो जो वेट एंड वॉच कर रहे थे अब हो सकता है कि वो ना जुड़े। तो मैं इस निष्कर्ष के साथ अग्री नहीं करता, आपका फीडबैक के साथ मैं अग्री करता हूं कि लोगों पे अलग अलग तरह का फीडबैक होगा, लेकिन ये जो निष्कर्ष है कि पार्टी जो है उसमें मेंबर्स की संख्या कम हो रही थी, ये निष्कर्ष के साथ मैं अग्री नहीं करता। बस कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो इनएक्टिव हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि लोग ऐसे थे जो मंथली कंट्रीब्यूशन करते थे, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, कुछ लोग 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, तो उनका मंथली ईमेल आता था कि मैंने, जैसे एक आदमी का मैंने बताया, एक मल्लिकार्जुन जी थे, वो अपनी माता जी के नाम पे हर महीने 5,000 रुपए डालते थे, तो उन्होंने अगस्त तक 5,000 रुपए डाले हैं, तो ऐसे लोगों का मेल जो है वो अगस्त तक आया है, अगस्त तक मैंने खुद चेक किया है, उसके बाद अभी सितंबर में आया है नहीं आया है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूं नहीं। कमल जी, एक चीज तो है जो भी आपके पास, उस चीज में मैं नहीं जाता, और आप जो बता रहे हैं इसे भी मैं अग्री नहीं करता, खैर मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है, लेकिन एक चीज, जो भी आप लोगों का समर्थक, हाँ, आप लोगों ने कहीं से भी उनको चैनलाइज नहीं किया, कहीं से जो भी आपके फाउंडर मेंबर बन के गए। हाँ, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, ये फीडबैक आपका एकदम 100% करेक्ट है कि हम जितना हमें रीच आउट करना चाहिए था उतना हम रीच आउट नहीं किया, जितना छोड़ो हमें उनको अपडेट करना चाहिए था फाउंडर मेंबर्स को, हमने उतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं किया, और ये लार्जली क्या है कि मैन पावर बहुत कम थी और इस तरह का, मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि ये तो हमारी तरफ से एक्सक्यूज है, लेकिन आपका बिल्कुल ये सही है, मैं इस बात के लिए 100% एक्सक्यूज क्यों मानूंगा? आपको मेरा सवाल पूछने का काम है, आपको आंसर देने का काम है, सेटिस्फाई होना ना होना जो देखने वाले वो जाने, मैं क्या जानता हूं, ऐसा हो तो अपनी बात तो बुलवाने की। हाँ, ये जो आपका सवाल है मैं इसके साथ पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि हमने मेंबर्स के साथ जितना रीच आउट हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। कमल जी, और भी से जुड़े सवाल होते हैं कि आपने ये तो नहीं किया, अभी आप बता रहे थे कि आपकी पार्टी में, जैसे आपने बताया कि मेरा अपना नुकसान हुआ, अपना नुकसान मैंने किया, पैसे लगे, अंकुर शर्मा के बारे में भी आपने बताया, और जितने लोगों के आपके पार्टी से मैंने, जिनसे भी मेरी बात हुई, सबने यही कहा कि उनका इतना नुकसान हो गया उतना इन्होंने पार्टी को दे दिया। यहाँ पे दो सवाल हैं, दोनों को आप आराम से सुन लीजिएगा, आराम से पार्ट वाइज आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद अब आपका जवाब ये होगा कि
सभी कह रहे हैं कि हमने पैसे दे दिया, तो पैसा हुआ कहाँ? तो ये हो सकता है कि जम्मू गया या जहां भी गया। इससे जुड़ा सवाल है कि आप लोगों ने मंथली ऑडिट रिपोर्ट अपने मेंबर्स के साथ क्यों नहीं साझा की? ये तो एक ही सवाल हुआ, आप कह रहे थे दो सवाल है। जी दो सवाल है ना, एक अच्छा। तो आप सभी लोग बोल रहे हैं कि आप सभी लोगों ने अपने अपने पार्टी में जाकर बर्बादी कराई, अपने पैसे लगाए, अपने उनके इतने नुकसान हो गए, उनके इतने नुकसान हो गए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबकी बात कर रहा हूँ। ये सभी ठीक है, ठीक है, आपके पार्टी से जो लोग चुनाव लड़े किसी को आप लोगों ने कोई मदद नहीं की, हालांकि कभी आप लोगों ने आश्वासन भी नहीं दिया था, तो फिर आखिर पैसे हुए क्या, फिर गए कहाँ? ठीक 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 देखिए, पहली बात तो विशाल भाई, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ये नहीं बोला कि मैंने पार्टी के ऊपर इतना खर्च किया। आज मैंने पहली बार इसलिए बोला है क्योंकि अंकुर ने एक जो मीटिंग हुई थी जिसमें मैं नहीं था, उसमें एक फाउंडर मेंबर ने जब सवाल पूछा तो अंकुर ने ये बात 4-5 बार बोली कि मैंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 2 लाख ट्रांसफर किए, व्यक्तिगत अकाउंट से 2 लाख ट्रांसफर किए पार्टी का रेंट देने के लिए, है ना। तो क्योंकि उन्होंने ये बात 4 बार बोली तो सारे फाउंडर मेंबर का ये बोलने का अधिकार है कि हमने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 5,000 तुम्हें दिए पर्सनली। क्यों? क्योंकि अकाउंट जो पूरा का पूरा है वो पर्सनली जम्मू से मैनेज हुआ था, पूरा पर्सनली, ना उसकी ट्रांसपेरेंसी किसी के पास नहीं थी कि सिवाय जम्मू के और किसी के पास नहीं थी। तो सारे लोगों का ये बोलने का अधिकार है कि तुम्हें पर्सनली हमने पैसे दिए हैं और तुमने हमें पर्सनली पैसे नहीं दिए, तुम्हारे पैसे जो है वो तुम्हारे काम में लगे हैं और तुम्हें सबने पर्सनली पैसे दिए हैं। दूसरी चीज, पैसे के बारे में मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि पार्टी के पास 1 साल का पैसा था इस ऑफिस को चलाने का। लोग ये कहते हैं ना कि इतना महंगा ऑफिस ले लिया, इतना महंगा ऑफिस ले लिया, तो पार्टी के पास इतना महंगा ऑफिस चलाने के लिए 1 साल तक का पैसा था। वो सारा पैसा ये बीजेपी में जाने से पहले जीरो करके गए, तो इसलिए भी सवाल बनता है कि बीजेपी में जाने से पहले कोषाध्यक्ष जो जिसने बीजेपी ज्वाइन की है उसने बिना रिजाइन किए हुए बीजेपी ज्वाइन किया। तीसरा आपने बोला कि ऑडिट जो है वो मंथली क्यों नहीं शेयर किया गया लोगों के साथ। देखिए ऑडिट जो मंथली, अगर हम मंथली अकाउंट की डिटेल अगर साझा करते हैं, हालांकि उसके लिए कोई रोकता नहीं है हमें, लेकिन पहली बात तो ये मैंडेटेड नहीं है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 1 साल के बाद जब उनका रिटर्न वगैरह भरा जाता है तो वो साझा करती हैं। तो हमारी पार्टी का जब इस साल का रिटर्न भरा जाना था उसके बाद वो साझा होना था, वो प्रक्रिया होनी थी। दूसरा ये है कि मंथली जब हम साझा करते हैं तो उससे हम एक्सपोज भी हो जाते हैं। कोई ये कहेगा कि देखो पार्टी में केवल 10 लाख रुपए पड़े हैं और ये नेशनल लेवल पे 400 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अंकुर जी ने ये बात घोषणा कई बार कर दी थी कि हम 400 सीटों पे लड़ेंगे, 400 सीटों पे लड़ेंगे। अगर हम ये दिखाते कि देखो हमारे अकाउंट में केवल इतने इतने रुपए हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे जो लोग हमारा समर्थन करने वाले भी थे वो भी ये कहते हैं कि यार अभी तो ये लगता नहीं है जीत पाएंगे या कुछ ऐसा हो पाएगा। तो उससे क्या होता है, कई बार आप एक्सपोज भी हो जाते हो। लेकिन ये सवाल है, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट साझा करना या नहीं करना, ये दोनों डिसीजन जो है, ये दोनों के बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ना कभी ये बात हुई मीटिंग में इसको साझा करो, ना कभी ये बात हुई कि इसको साझा मत करो। देखिए आपकी पार्टी से वही लोग जुड़े हुए थे जिसमें से ज्यादातर लोग पूर्व मास्टर स्ट्रोक वादी थे या फिर बीजेपी आरएसएस के समर्थक है, जिस तरह के से भी रहे, तो पहले से उनका दूध से मुंह जला हुआ था। आप लोगों के ऊपर सवाल भी उठने लगे थे, जो भी है, चाहे वो आपके विरोधी उठाए, मैं नहीं कह रहा कि आपके समर्थक उठा रहे थे, आपके विरोधी उठा रहे, वो बहुत तरह के सवाल उठा रहे थे, सवाल उठने लगे थे। आपने बोला कि ऐसा हम करते तो हम एक्सपोज हो जाते। जब आप लोगों ने पहले से ऑलरेडी क्लियर कर रखा था कि हम किसी भी कैंडिडेट को कोई खर्च नहीं देंगे, जो कैंडिडेट लड़ा खुद के पैसे से लड़ा, तो सवाल होता है, ये होता है सबसे पहली बात कि आप, ठीक है आपका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कमल जी समझ की तो आपकी दाद देनी पड़ेगी, समझ में तो कोई कमी नहीं है, तो आपको राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत तो है। इतना तो है कि आपको ये पता था कि जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं, वो मुश्किल से 2-4-5 सीट से ज्यादा नहीं लड़ने की कंडीशन में है, और आप लोगों ने कैसे फिर पूरे देश में लड़ने की घोषणा कर दी? ये विशाल भाई, ये बिल्कुल नहीं की, ये केवल अंकुर जी ने अपने वीडियो अपने उसमें जारी किया था कि हम 400 सीटों पे लड़ेंगे, और उन्होंने बिना किसी को बताए हुए ये स्टेटमेंट दी थी। अब उसमें ये होता है कि एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी तो फिर हम उसको बहुत ज्यादा काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा पक्का था कि हम फोकस जो है वो 400 सीटों पे नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको इंटरव्यू में भी बताया था कि हमारा लक्ष्य ये है कि 1 सीट हमारी पहुंच जाए। दूसरा,
ये जो अकाउंट वाली चीज है, ये आप सही कह रहे हो, अकाउंट वाली चीज जो है इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुए थे। इसीलिए आप देखेंगे तो फरवरी से, जितनी भी फरवरी के बाद जितनी भी इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं, सारी इंटरनल मीटिंग्स में संदीप जी ने ये बात बोलना शुरू कर दिया था कि अकाउंट का हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, अकाउंट की सारी जानकारी जो फरवरी नहीं बल्कि दिसंबर 2023 में जो स्टेट लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि स्टेट का कोषाध्यक्ष नेशनल कोषाध्यक्ष से डायरेक्टली बात करेगा, इसमें हम लोग जो है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और ये उसके बाद वाली हर एक मीटिंग में जारी कर दी थी, लेकिन फिर भी जब ये अटैक हो रहे थे तो अभी जो मीटिंग हुई थी दिसंबर वाली, उसमें अंकुर जी के चाहने के बावजूद, अंकुर जी के ना चाहने के बावजूद हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट पूरी की पूरी ट्रेजरार से जबरदस्ती, नेशनल ट्रेजरार जो थे कोषाध्यक्ष, उनसे जबरदस्ती वो स्टेटमेंट ली और हमने उस स्टेटमेंट को पब्लिक करके सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स को दिखाया कि देखो इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। तब जाके स्टेट प्रेसिडेंट्स को लगा कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, वरना अगर हम का मतलब अगर 9 अगस्त की मीटिंग में ये स्टेटमेंट पब्लिक नहीं करते तो फिर वो मुखालफत में रह जाते कि पता नहीं इनको तो 27,000 करोड़ आया था, इतना आया था, इतना आया था। और नेशनल प्रेसिडेंट ने कभी इस चीज को क्लियर करने की कोशिश नहीं की कभी भी कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा नहीं आया है। तो ये जो कितना पैसा आया है इसकी जो क्लैरिटी स्टेट लीडरशिप तक और फाउंडर मेंबर्स तक पहुंचाई है, ये भी हमारी वजह से ही पहुंची है। बस ये है कि ये हमने अब पहुंचाई और उससे पहले हमने ये पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया था हर मीटिंग में कि अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो डायरेक्ट कोषाध्यक्ष से बात करो, क्योंकि सवाल हमारे ऊपर आ रहे थे एज इफ कि हम पैसे को मैनेज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एक रुपया भी ना तो डेबिट करने का होता ना क्रेडिट का होता रिकॉर्ड, हमारे पास तो कोई कंट्रोल था नहीं, एक पैसा भी हम निकाल लें। केवल 2 लोगों के सिग्नेचर जो है वो चलते थे बैंक में, एक अंकुर जी का और एक कोषाध्यक्ष के, कोषाध्यक्ष उनके बगल में बैठता था जम्मू में, वो पहले से उन्हीं के साथ है, और कोषाध्यक्ष और अंकुर जी दोनों मिलके भाजपा में चले गए और जाने से पहले वो अकाउंट को जीरो करके गए हैं, जबकि अकाउंट में 1 साल पार्टी चलाने का पैसा था। और ये जो पब्लिक स्टेटमेंट हुई है, ये स्टेटमेंट जो बैंक की जो स्टेटमेंट पब्लिक हुई है, ये भी केवल हमारे कारण हुई है, वरना वो पहले ही करवा देते ना। नहीं, पहले कैसे करवा देते, पहले ये मतलब नेशनल ट्रेजरर से ये चीजें निकलवाना भी बड़ा मुश्किल होता है और निकलवाने में कभी कभी क्या होता है ना, हमें देखिए कभी कभी हमें भी उल्टा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि पहले 6 महीने तो हमने डाउट ही नहीं किया बिल्कुल भी कि भाई उनका पैसा है, उनकी पार्टी है, हम तो खाली उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, पहले 6 महीने तो ये एटीट्यूड रहा और ये एटीट्यूड जो है ये जेन्युइन अंदर से एटीट्यूड था, ऐसा नहीं है कि हमने इसको चेंज करने की कोशिश की, अंदर से यही एटीट्यूड था कि भाई अंकुर जी की पार्टी है, अंकुर जी संभालें, कोषाध्यक्ष को वही संभालें, अच्छा है हमारी फाइनेंशियल टेंशन खत्म, वरना कल को हमारे ऊपर रेज आएगा, हमारे ऊपर बात आएगी कि भाई इतना पैसा आया था, इतना आपको मालूम है पैसे का मामला जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, तो हमने जानबूझ के पैसा अपने पास नहीं रखा था, कभी हमने लेने की भी कोशिश नहीं की, कभी उनसे मांगा भी नहीं। 6 महीने के बाद जब लगा, मैं आपको बताऊं कैसी कैसी बातें हुई हैं, यहाँ पे पार्टी के ऑफिस का इंटीरियर होना था और इंटीरियर जो होना था पार्टी के ऑफिस का, हमने कहा कि भाई अपने आप करा लो, हमने मतलब संदीप जी ने ऐसा कहा कि अपने आप करा लो, कल को ऐसा ना हो कि आप ये कहो कि भाई 10 रुपए देने थे, ये तो 10 रुपए में काम हो जाता और तुमने 12 रुपए दे दिए, इतना हो गया। वो जो बंदा था जिसने पूरा इंटीरियर किया इंक्लूडिंग फर्नीचर, टेबल, चेयर, कप, ग्लास, सब कुछ, सारा कुछ जो है वो जम्मू वाला बंदा आया, उसने सेट किया। और आप मतलब ये बात कहने में भी मुझे शर्म आती है, उसमें भी 5 लाख रुपए खाए हैं इन लोगों ने, मतलब अपनी जेब से कोई चोरी कैसे कर सकता है, इसका स्पष्ट उदाहरण अगर देखना है तो ये है, ये ऑफिस ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट था। तो ये सारी देखिए, ये सारी तो आरोप पड़ते आरोप, अब ये जो है ये बात आप कहोगे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, ये बात गलती से हमें अब पता चली जुलाई के एंड में। नहीं मैं ये बातें तब पता चली जब हम थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने लगे पैसे से रिलेटेड, टफ क्वेश्चन हमें इसलिए पूछने पड़े क्योंकि वो रेंट जो था वो 1 साल का हमें देना था। जी मेरा पॉइंट ये है कि आपका जो पक्ष है वो लोग सुने वो डिसाइड करे, मेरा कुछ ही उतना ये नहीं है, नहीं तो हम तो एक ही सवाल पे अभी तक अटके रहते हैं। अच्छा एक चीज था कि आपके जो पूर्व महासचिव थे वो कहा करते थे कि विष्णु जी के आशीर्वाद से पार्टी बनी है, इस पार्टी में कोई भी जो कालनेमी है वो टिक नहीं पाएगा, तो फिर तब तो पार्टी में आप लोग भी नहीं रहे।
इसका मतलब हम भी खाते नहीं होंगे जरूर। और नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि अब तो पार्टी में आप लोग भी नहीं रहे। जी 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 जी, ये अब क्या, अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? तो आप सही कह रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो सही है। नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें इसका, अब इसका कैसे मैं जवाब दूं बताइए। मतलब ठीक है, ये काल नेमी जो है वो उन्होंने इतना फेमस कैरेक्टर कर दिया कि वो रावण से ज्यादा फेमस काल नेमी हो गया। और वो पता नहीं, ये संदीप जी की बहुत खास बात है, वो ना कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे ढूंढ के लाते हैं। जब नाम देना होता है, अब्बासी खलीफा और हरे टिड्डे, लाल टिड्डे, सफेद टिड्डे, वो मतलब एकदम अप्रोप्रिएट नाम जो है वो ढूंढ के ले आते हैं अलग से, ना कुछ उनके अंदर है ये क्वालिटी। तो जब उन्होंने कालनेमी नाम ढूंढा तो कालनेमी एकदम अप्रोप्रिएट था कि वो धोखा दे रहा था। तो कालनेमी के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि हम सनातन को रोकने, मतलब कालनेमी ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी, तो जिसने भी पार्टी में सनातन को रोकने की कोशिश की और बाद में वो रावण का प्रिय बन गया था, तो बाद में जो आज के एग्जिस्टिंग रावण जो अब्बासी खलीफा है उनके जो प्रिय बन गए हैं, सबसे बड़े कालनेमी तो वही है। अब क्या करें इसमें, अब जो भी है, मतलब सवाल यही था कि मेरा पॉइंट ये था, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप लोगों ने थोड़ा सा धार्मिक फ्लेवर देने की कोशिश में आपने ऐसा नहीं किया कि लोगों का जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज का, देखिए मैं आपको पर्सनल, मेरा मानना है, अपना मानना है, मेरा धार्मिक विषय है कि मैं कितने बार मंदिर जाता हूँ, कितने बार भगवान को याद करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, मैं ज्योतिष को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, मैं गाय को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसका मेरा अपना मानना है कि एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और एक्सपोजर चलिए हो भी, कोई मुझे समस्या नहीं है। लेकिन जब आप हर जगह धार्मिक पहलू को, जैसे कई लोगों के सवाल, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, बीच बीच में सवाल आते रहते हैं तो मुझे लगता है उनके भी जवाब मिल जाने चाहिए। बीच बीच में आता है कि और जो ज्योतिष आके बोल रहे थे उनका क्या हुआ, तो मुझे लगता था कि इन सब चीजों को अवॉइड किया जा सकता था, और ये सब चीजें पर्सनली बात करने वाली चीजें हैं। ये सारी चीज अगर आपका कोई फेथ है, कई सारे लोगों का नहीं है, तो उसको, जैसे कि हम ज्योतिष की बात करेंगे तो मेरा मतलब केवल ज्योतिषी विद्या के मामले में मणिशंकर अय्यर को मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े ज्योतिष थे। पाकिस्तान में क्या किया उनसे मेरा मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि पारखी नजर थी उनकी। तो ये सब चीज कमल जी आप लोग पर्सनली भी तो डिस्कस कर सकते थे। नहीं देखिए, ये मतलब आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, और है क्या ना कि किसी ने भी एक, जैसे एक होता है कि आप मास्कुलेट करें, आप अपने ऊपर कोई चेहरा लगाएं। जब आप अपने ऊपर चेहरा लगाते हैं तो आप सोच के लगाते हैं कि भाई मैं कैसा मास्क पहनूं, आज ये वाला मास्क पहनूं राजा का, ये वाला मास्क पहनूं, ये वाला मास्क पहनूं, पिंक गुलाबी रंग का पहनूं, हरे रंग का पहनूं, लाल रंग का पहनूं, तो आप सोचोगे कि मैं कैसा मास्क लगाऊं। जब आप कोई मास्क नहीं लगाते तो जैसा आपका चेहरा है वैसे ही लेके चलते हो। अब किसी दिन हो सकता है कि आपने क्लीन शेव कर रखी है तो क्लीन शेव रहेगा, किसी दिन मूछें बड़ी हुई है तो मूछें बड़ी रहेंगी, किसी दिन हो सकता है कि आप कुछ काम करके आए हैं, चेहरा काला हो रखा है, धूल मिट्टी जमी हुई है, तो वही चेहरा लेके जाओगे। तो इस पार्टी में जो लोग थे लार्जली, अब मेरे ख्याल से आप ये जो बात कर रहे हैं, ये संदीप जी की बात कर रहे हैं, आईएसडी पे ही ऐसा हुआ था, तो संदीप जी के चेहरे के ऊपर कोई मास्क नहीं, मैंने तो इशारों में बात किया नहीं, मैंने बोला आपके पूर्व महासचिव। हाँ, आपने बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पे ना कोई मास्क नहीं है, वो जैसे हैं वैसे दिखते हैं। मतलब उनको आप शक्ल देख लो, उनका दिल दिख जाएगा अंदर तक, इतना ट्रांसपेरेंसी है। तो अगर वो आज कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब आज आप उन्हें अच्छे लग रहे हो। अगर कल को वो ये कहें कि भाई आज तो तुम बहुत गंदे लग रहे हो, तो इसका मतलब आज आप वाकई गंदे लग रहे हो उन्हें। मतलब उनके अंदर वो जो निर्मलता होती है ना, वो है उनके अंदर। मैं ये नहीं है, मैं दोबारा से ऐसा लगेगा कि मैं उनका एडवोकेसी कर रहा हूँ, जबकि मैं उनको अभी मिला हूँ कुछ साल पहले ही, 2016 में मैं उनको पहली बार मिला था, उसके बाद फिर 3-4 साल तक नहीं मिले थे, ऐसे करके मेरे ख्याल से घर तो मैं उनके अभी गया हूँ पार्टी बनने के बाद। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा ही रहा है कि उनका जो वो बोलते हैं ना, वो मैस्कुरेट करके नहीं बोलते, वो मास्क लगा के नहीं बोलते, जो उनके अंदर होता है वो बोल देते हैं। अगर उनको लग रहा है कि भाई ज्योतिष ने ऐसा बोला है तो वो बोल देते हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा बहुत पॉलिटिकली करेक्ट जो है शायद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक लर्निंग लेसन हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक उस तरह के हैं नहीं। जैसे अभी आपको बताऊं, हमने जो राजनीति, इतने एक साल हमने राजनीति में प्रैक्टिस किया, अब वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक राजनीति का एक कोर्स होना चाहिए, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल है, हर एक चीज को इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचते हैं।
तो धर्म और राजनीति का मिक्सचर कैसे हो और एक धार्मिक राजनीति कैसे हो, ताकि ऐसा ना हो कि कंगना रनौत की तरह फिर लोग बोलने लगे कि भाई राजनीति तो होती ही ऐसे है, वो जो शंकराचार्य जी ने बोला था कि इसका मतलब राजनीति होती धूर्तता से। तो राजनीति में भी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राजनीति में भी तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जितनी भी धर्म की चीजें हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम मंत्र से मंत्र पाठ करेंगे, तो फिर राजनीतिक मीटिंग में भी अगर मंत्र पाठ किया जा रहा है तो क्या बुराई है उसमें। पर ये सही है, हो सकता है कुछ लोगों को इस बात से ये बात थोड़ी अजीब लगे, कुछ लोगों को हो सकता है ये बात अनकन्वेंशनल लगे, ये अनकन्वेंशनल तो है, ये तो मैं मानता हूँ। एकम सनातन भारत दल का जितने भी काम हुए वो सब अनकन्वेंशनल है। जो झंडा एकम सनातन भारत दल का था वो भी अनकन्वेंशनल था, झंडा में कहां हम शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय और गरुड़ इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है। झंडा आप सोचो इतना डिटेलिंग झंडा में आज तक किसी ने नहीं दी होगी जितना एकम सनातन भारत दल के झंडा में डिटेलिंग थी। पर ये जो चीजें हैं ये ऐसी ही है जैसे हम हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मास्क नहीं है चेहरे के ऊपर। नहीं ठीक है, मास्क नहीं है, लेकिन मास्क तो लगाना पड़ेगा ना जहाँ जैसे जाएंगे। अब जैसे कि ये सबको पता है कि कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज है, लेकिन करनी तो पड़ती है ना। नहीं ये मतलब जैसे आप सुबह सुबह किसी को पता है वैसे कि आपको सम्मान करे ना करे, आपको फोन करेगा, बोलेगा जो भी आपको बोलता होगी सर गुड मॉर्निंग, ये जो भी है तो उसका फॉर्मेलिटी है, वो तो बेसिक फॉर्मेलिटी तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप धोती कुर्ता पहन के आप कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाएंगे, तो जो जिसके रूल्स है वो तो उसको तो बदल नहीं सकते। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर मान लो कोई धोती कुर्ता पहन के, जैसे एक टाटा कंपनी है, आपको मालूम है कि आई थिंक टाटा ही है शायद, मतलब ये थोड़ा उससे भटक रहे हैं हम लोग, वो जो कंपनी है आजादी से पहले मेरे ख्याल से टाटा ही है, अगर टाटा कंपनी नहीं होगी तो मैं और करेक्ट करके बता दूंगा। उस कंपनी ने आजादी से पहले अपने यहाँ पे सब लोगों का ड्रेस कोड जो है कंपलसरी कर रखा था कि सब लोग धोती कुर्ते में ही आएंगे, और सब लोग धोती कुर्ते में आते थे। जब भारत आजाद हो गया तो उस कंपनी ने कहा कि अब हम आजाद हैं तो अब जो मर्जी वो पहन के आ जाओ। मुझे लग रहा है कि अगर आज तक वो इस ड्रेस कोड पे कंपल्शन रखते तो भारत के कॉरपोरेट का फॉर्मल पहनावा जो है वो धोती कुर्ता होता, ठीक है। लेकिन आज अगर कोई धोती कुर्ता में जाएगा तो वो अनकन्वेंशनल लगेगा और आज उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। तो आप इसको उस तरह से मत सोचो, ये जो राजनीतिक पहल थी और है, ये राजनीतिक पहल थी कुछ नया करने का, राजनीति में नए मानदंड सेट करने के, राजनीति में नए मापदंड सेट करने के, राजनीति को नई दृष्टि से देखने का। ये मतलब ये केवल एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं थी, ये पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल और सांस्कृतिक एक्सरसाइज थी एकम सनातन भारत दल। आप इसको केवल एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज मत समझो कि भाई हाँ ये आए इन्होंने चुनाव लड़ा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन गए। ये एम कभी से नहीं रहा एकम सनातन भारत दल का, हमेशा से एम ये था कि सांस्कृतिक चेंज लाना, लोग जिस तरह से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं उनकी दृष्टि में चेंज लाना। और ये जो है ये तो युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके, और इवन युधिष्ठिर महाराज पे क्यों जा रहे हैं आप, जितने राजा महाराजा रहे हैं भारत में हर एक राजा महाराजा के दरबार में एक ज्योतिष का डिपार्टमेंट जो है वो रहा है, हर राजा में शिवाजी महाराज के में रहा है ज्योतिष का डिपार्टमेंट। उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, समस्या इस बात पे है ना, मुझे समस्या मुझे भी क्या है, मुझे को क्या मतलब है संदीप जी से, मुझे भी कोई जिस तरह से आपको कोई समस्या नहीं हो वैसे मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जस्ट मैंने सवाल पूछा आपसे, देखिए आप ठीक है आप किसी चीज को मानते हैं, लेकिन अब जब ज्योतिष जब झूठे होने लगते हैं ना तो आपको एक है नाम लेना पता नहीं ठीक नहीं होगा, वो बताता है कि मैं संघी हूँ मैं योगी को सपोर्ट करता हूँ, वोट तो भाजपा को ही दूंगा लेकिन मैं विरोध करूंगा। तो मैंने एक दिन पूछा कि महाराज संघी महोदय आपको जब विरोध करके भाजपा को ही वोट करना है तो विरोध करने के बजाय ये काम भाजपा के प्रचार में लगाओ। सही बात है, अगर आपको कुछ भी है कि भला है बुरा है जो कुछ भी है तो फिर आप उसी के साथ रहो ना, वहीं ये लगाओ। देखिए समस्या कब आती है ना, जब आपके जो कोई भी ज्योतिष है छोड़ दीजिए एक पार्टी के लिए, अगर उनकी जो भविष्यवाणियां गलत निकलती है ना, मैं ज्योतिष विद्या के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग ज्योतिषी के नाम पे अपना धंधा चमका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, उनसे हमें समस्या है। और
उनकी वजह से जो ज्योतिष विद्या है उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ये क्या करते हैं क्रिकेट की भविष्यवाणी करने लगते हैं, पॉलिटिक्स की भविष्यवाणी करने लगते हैं, जो कि मतलब ही नहीं बनता कहीं से, ये सब सही नहीं हो सकता। हाँ आकलन हो सकते हैं, जैसे कि मणिशंकर अय्यर का था आकलन था, ये तहजीब नहीं है इसको, ये नीच आदमी मतलब आपका सही है, वो ज्योतिष के बीच में मणिशंकर अय्यर ले आते हैं आप, बढ़िया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं कोडिंग सिखाता हूँ, मैं सिस्टम डिजाइन सिखाता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो गूगल में प्लेस हुए हैं, अमेजन में प्लेस हुए, मतलब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, और ऑलमोस्ट हर साल मैं लगभग 3,000 से 4,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मतलब मैं डायरेक्टली पढ़ाता हूँ। और आप किसी भी बच्चे से ये बात पूछ सकते हैं कि हम कोडिंग के बीच में उपनिषद, वेद और ये स्पेशली तैत्तरीय उपनिषद जिसमें शिक्षा के बारे में बोला गया है, इन सब चीजों को हम ले आते हैं कोडिंग के बीच में। जैसे कोडिंग में एक फिबोनाची सीरीज है, जब हम वो बताते हैं तो हम साथ में ये बताते हैं कि इस फिबोनाची सीरीज का उदय जो है वो संस्कृत के टेक्स्ट में से हुआ था, म्यूजिक में से हुआ था। अब इसका रेलेवेंस नहीं है, ये इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला, मैं तो इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, तो इसके बहाने, इंटरव्यू की तैयारी कराने के बहाने मैं उनको वो सारी चीजें जो सांस्कृतिक चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजों के साथ अलाइन करने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से। तो ये जो राजनीति है ना विशाल भाई, राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है, मेन तो हमें सांस्कृतिक उदय करना है ना, वरना कल को यही होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो भाजपा में जाके मिल जाएगा, जैसे आज मिल गया, तो कुछ ना कुछ हमारी ये जो है ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये मतलब इसमें पॉलिटिकल हो सकता है कि उनके लिए पॉलिटिकल अचीवमेंट बहुत बड़ी रही हो कि भाई देखो पॉलिटिक्स में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी बनाई और अब बीजेपी इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी में जम्मू में वहां पे जाके जुड़ गए और अब वहां पे जम्मू में छोटे से गली मोहल्ला के अध्यक्ष का प्रचार में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही हो, लेकिन हम जो उनको सांस्कृतिक रूप से देख रहे थे, हम उनको मोदी के समकक्ष देख रहे थे, हम मोदी के सामने अटैक करने वाला देख रहे थे, और वो वहां पे देखो उसके गली मोहल्ला अध्यक्ष के पीछे लगे हुए हैं। जब आपके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो आपको तो शक हो जाना चाहिए था। नहीं, हमने विरोध किया था, ये तो विरोध किया था, पर ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल अपनी सीट पे किस तरह से राजनीति करेंगे, इसमें हम बहुत ज्यादा दखलंदाजी देते तो फिर ये होता कि तुम इतनी दखलंदाजी क्यों दे रहे हो, लेकिन हाँ विरोध किया था। आप देखिए हमने चार्जशीट बाकायदा मोदी की मैं यहाँ बिल्कुल आपको अब यहाँ पे मैं आपको क्लीन चिट नहीं देने वाला और यहाँ मैं लोगों पे भी नहीं छोड़ने वाला। जब एक बात बताइए, बात ये नहीं हुआ कि कमल रावत जी पार्टी से बाहर आ गए, बात ये हुआ कि कमल रावत जी ने काफी मेहनत किया, बात ये हुआ कि संदीप जी ने काफी मेहनत किया, संदीप जी के ट्रस्ट पे लोग जुड़े, जैसा कि आप बता रहे थे लोगों ने पैसे दिए, तो जब आपने इतना कुछ किसी के लिए करवाया तो फिर क्या आपको कान पकड़ के काम करवाने की जिम्मेवारी नहीं थी क्या? नहीं देखिये, राजनीति में एक होता है कि आप एक पर्टिकुलर सीट पे किस मुद्दे पे राजनीति करेंगे, है ना। जम्मू वाले सीट पे उनका डिसीजन ये था, और मैं पहले उनका डिसीजन बता देता हूँ बाद में अपना बता देता हूँ, उनका डिसीजन ये था कि इस सीट पे वो केवल अपने पॉजिटिव काम को बताएंगे और वहां का जो लोकल कैंडिडेट है भाजपा का उस पे हमला करेंगे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि भाई ये तो आपका अप्रोच गलत है, हम ऐसे चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरह से उनकी सीट पे हम उन्हीं को बता रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पे उनकी एक भी नहीं चलने दी। नेशनल लेवल पे आप देखिए उसी टाइम पे मोदी के खिलाफ चार्जशीट आई है और चार्जशीट में उनका मोदी का सारा एक्सपोज किया है। आप देखिए जो भी पूरे इलेक्शंस के टाइम पे भाजपा के खिलाफ जितनी भी चीजें शेयर हुई है, जितने भी फैक्ट शेयर हुए हैं, उसमें से बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जो उसी चार्जशीट में से बाकायदा फोटो काट काट, जो हमने डॉक्यूमेंट बना के दिया था पीडीएफ, उसमें से फोटो काट काट के लोगों ने लगाए और अच्छा किया है, मतलब लगाए, लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पे, जम्मू वाली सीट पे चुनाव का मुद्दा क्या होगा और चुनाव जो है वो किस आधार पे लड़ा जाएगा, इसके लिए अंकुर जी को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा गया था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र छोड़ा गया था तो हमने अपना ओपिनियन नहीं रखा, ओपिनियन हमने रखा था कि हमारे हिसाब से मोदी पे डायरेक्ट अटैक होना चाहिए, उन्होंने वो ओपिनियन नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने पॉजिटिव काम के बेसिस पे ये चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ऐसी बात हुई थी कि भाई देखो बाद में जब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा तो भी मोदी पे अटैक नहीं करूंगा, ये तो खुल के बात हुई थी कि बाद में तो हमारा मेन ऑपोजिशन ही मोदी है,
क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। बात तो ये भी है ना कमल जी, ठीक है अब इस पे हम चर्चा करें तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन वो बीती हुई बात है। लेकिन जब आपके अध्यक्ष जो प्रत्याशी आपके चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो भी गोलमोल करके चले गए, और जिसको भी गोलमोल करना है उसको तो हम अपने जवाब तो दिलवा नहीं सकते, अपनी हम ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही जवाब दो, कि उन्होंने बोला था कि 500,000 लोग इकट्ठे हों तो एक शर्त रखा गया तब हम आके उसका प्रचार करेंगे। अब तो भाजपा में गए तो पता चला कि 10 लोगों के बीच में भी जाके प्रचार कर रहे हैं, 5 लोगों के बीच में भी प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोगों की ये तो जिम्मेवारी थी ना कि आप लोग उस कोर कमेटी में थे कि जितनी भी जहां भी है जितना भी लड़ रहे हैं कम से कम जो हमारा लड़ रहा है जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हुए हैं कम से कम उनका ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, और जो हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है कम से कम उसको लगे कि हाँ हमारे लोग हमारे लिए आए थे। नहीं ये चीज जो है ना, देखिए इसमें दो पहलू है। पहला पहलू है कि कैंडिडेट की कैंपेन के लिए जब हम जाएंगे तो ये सारे कैंडिडेट्स को ये बात बोली गई थी कि जब भी आप हमें बुलाएंगे, ये बात मैंने खुद फोन करके बोली थी कई कैंडिडेट्स को, आप हरियाणा वालों से पूछ सकते हो, मैंने खुद पर्सनली महावीर जी को फोन किया था कि महावीर जी आप जिस दिन भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, और जिसको आप बुलाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक। लेकिन कैंडिडेट्स ने, ज्यादातर कैंडिडेट्स ने बुलाया नहीं, ज्यादातर कैंडिडेट्स ने बुलाया नहीं। अब कैंडिडेट अगर बुला नहीं रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, तो सेंट्रल लीडरशिप अगर अपने आप जाएगी तो वो कैसे जाएगी, मतलब वहां पे जाके क्या करेंगे। लेकिन सारे कैंडिडेट्स को बाकायदा एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया गया था, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सारे कैंडिडेट को फोन करता था और सारे कैंडिडेट से ये पूछता था कि आपका ये जो कैंपेन है ये किस तरह से चल रहा है, आपका बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से हम एक कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, और उस कैंपेन में अगर आपको यहाँ से लोग चाहिए। लेकिन ये इनिशिएट होना चाहिए कैंडिडेट की तरफ से, ये सारे कैंडिडेट्स को बोला गया था कि आप एक रैली करो, जो भी आप रैली करना चाहते हैं छोटी बड़ी, ऐसी मतलब मेरे लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई 5,000 लोग होंगे तब कमल रावत आएगा या तब संदीप देव आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए थोड़ा ये कंडीशन था कि थोड़ी सी रैली ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया था कि भाई 5,000 लोग ही होने चाहिए या 10,000 लोग होने चाहिए, एक ठीक ठाक रैली बोला गया था कि ठीक ठाक एक जमावड़ा होगा तो उसमें सेंट्रल लीडरशिप आ जाएगी। लेकिन मैंने खुद फोन किया था कई लोगों को और उनको मैंने खुद बोला था ये बात, जैसे हरियाणा वाले महावीर जी से आप फोन करके पूछ सकते हैं, उनको मैंने खुद बोला था कि आप जब मुझे बुलाएंगे, जहां पे आप मुझे बुलाएंगे, जो काम आप मुझे देंगे मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आप उनको ये ना लगे कि अकेला छोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज है ना विशाल भाई, ये मिक्स में है। और एमपी मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोग गए थे प्रचार के लिए, मध्य प्रदेश में एमएलए के प्रचार के लिए हम लोग गए थे, संदीप जी गए थे, मैं गया था, चेतन मान जी गए थे और अमरदीप गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अपना तेल डलवा के गए थे और ओवरनाइट हमने ट्रेवल किया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट ने नहीं गया, आप लोग लोकसभा में, मैंने बताया ना लोकसभा में बुलाया नहीं, किसी भी कैंडिडेट ने नहीं बुलाया। आप ये बताइए किस ऐसा हुआ हो कि इस कैंडिडेट ने आपको बुलाया है सेंट्रल लीडरशिप को और सेंट्रल लीडरशिप नहीं गई, ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक बात बताइए, अगर एमएलए के प्रचार के लिए संदीप जी जा सकते हैं तो एमपी के प्रचार के लिए तो जाएंगे ही ना, तो ऐसा कभी मना नहीं किया। यहाँ एमपी एमएलए के बारे में सोचिए ही मत ना, आप ये सोचिए कि ठीक है कैंडिडेट ने नहीं बुलाया, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती थी कि आप जाएं अपना। नहीं वो जाएंगे तो कैसे जाएंगे, मतलब जाएं तो कैसे जाएं उससे, मतलब ऐसे मिलके आ जाएंगे। आपने किसी कैंडिडेट से कहा कि हम आ रहे हैं तो उसने बोला कि नहीं आप मत आओ? नहीं ऐसे तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम आ रहे हैं, हम तो यही बोलेंगे ना कि आप बताइए हम कब आए, यही तो बोलेंगे हम, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई आज मैं आ रहा हूँ। तो उसमें उल्टा भी होता है ना, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से अगर कोई आ रहा है तो फिर उसके लिए उस कैंडिडेट को अपना काम छोड़ के फिर हमारा उसमें लगेगा वो। देखिए किसी भी जैसे अंकुर, में तो उसका... जैसे अंकुर ने प्रचार के लिए जम्मू में संदीप जी को बुलाया था और संदीप जी गए थे जम्मू में। देखिए लीडरशिप जो है, आप जैसे कि आप संगठन में थे तो जो कोर कमेटी के मेंबर थे तो कोर कमेटी डिसाइड करती है कि किसका कहां प्रोग्राम होगा, कैंडिडेट का इसमें क्या मतलब था।
नहीं, उसमें ये होता है ना कि या तो कोर कमेटी अगर डिसाइड करती है तो कोर कमेटी थोड़ा फंड भी देगी, कोर कमेटी उनकी मूवमेंट को भी डिसाइड करेगी, तो फिर ये है कि फिर तो सेंट्रल सेंटर की तरफ से उनका पूरा कैंपेन डिजाइन हो रहा है। तो सेंटर की तरफ से हम बता रहे हैं कि आज तुम यहां जाओगे, आज तुम यहां जाओगे, आज तुम वहां जाओगे, ये तो एक तरह से सेंटर जो है वो उनके कैंपेन को कंट्रोल कर रहा है ये, जबकि कैंडिडेट जो है वो अपने कैंपेन को खुद कंट्रोल कर रहे थे और कैंडिडेट को ये पूरी फ्रीडम दी गई थी कि आप जब भी बुलाओगे हम आ जाएंगे। ये बात संदीप जी ने भी बोली थी, ये बात मैंने भी बोली थी, ठीक। और बोलने के लिए तो ये बात अंकुर जी की तरफ से हमने बोली थी कि आप अगर अंकुर जी को बुलाओगे तो अंकुर जी को भी हम ले आएंगे, हालांकि अंकुर जी ने ऐसी बात बोली भी नहीं और किसी कैंडिडेट ने बुलाया भी नहीं। चलिए, इसके ऊपर हम जितना भी चर्चा करें खत्म नहीं होगा, लोगों के सवाल भी खत्म नहीं होंगे, इसके बाद भी होगा कि हमने कुछ पूछा नहीं, तो हम जितना पूछ सकते थे उतना पूछ ही लिया, आप इससे ज्यादा क्या पूछेंगे, हम जबरदस्ती क्या ये करेंगे। तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग जो पार्टी में इतने आपने नेता बना रखे हैं, सब नेता आते हैं, वो क्यों आ गए, वो क्यों नहीं आए, वो आए तो वो क्यों नहीं आए, उसके बाद सवाल। तो अब सवाल मुझे लगता है कि हमने तो जितना पूछ सकते थे उतना हमने पूछा। कमल जी ने बहुत ही बेकाब बेवाकी से, देखिए मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ विशाल भाई, और मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली मैं मतलब ऐसी बातों पे झूठ बोलने का कोई पर्पज भी नहीं होता है। विशाल भाई के यहाँ पे हम जब भी आए हैं, जितना उन्होंने ग्रिलिंग की है, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कोई ऐसा प्री प्लान नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं आप ये देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं लिखा है ना मैं कहीं देख रहा हूँ, और मैं जिस दिन लिखना होगा उस दिन मैं लाइव ये करना ही छोड़ दूंगा, नहीं लिखूंगा मैं कभी, ना लिखा ना लिखूंगा। तो इसीलिए इन सब चीजों में ना आपके यहाँ पे आके आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, अपने मन को भी तो संतुष्टि मिलती है ना, कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी सफाई देकर आए हैं जो एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है। और विशाल भाई ने आज तक कभी पार्टी के अंदर की किसी भी चीज में ना तो कोई प्रश्न पूछा, ना कोई उस तरह का इंटरफियरेंस किया, ना ये पार्टी के मेंबर है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये लगता हो कि आप एकम के मेंबर है, मतलब मुझे पता नहीं। आप बोल भी देंगे तो भी मान लेंगे, वो मानेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात भी है। चलिए ठीक है विशाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय निकाला और बहुत जरूरी भी था। आप अपनी बुक के बारे में कह रहे थे कि बुक के बारे में प्रश्न पूछूंगा, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे आपकी ये ना, मुझे किताबें लिखना, किताबें पढ़ना ये बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से आपने जो एक बुक लिखी है, अगर आप उसको तोड़ तोड़ के, उसमें से कम 10 बुक बन जाती है विशाल भाई, तो अगर तोड़ तोड़ के लिखते। और मैं आपको बात बताऊं कि नॉर्मली बुक्स जो होती है ना, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, ये वीडियो की शेल्फ लाइफ कुछ नहीं होती। तो आज से 40-50 साल बाद जब मोदी के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा होगा, तो उसको जो आपकी बुक मिलेगी वो उसके लिए खजाना होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुक है वो लेफ्ट के नैरेटिव को भी ध्वस्त करती है और राइट के नैरेटिव को भी ध्वस्त करती है। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है जो लोगों की लाइब्रेरी में जाएगा, और जिसके ऊपर आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद भी लोग बात कर रहे होंगे कि अच्छा, मोदी को तुम लेफ्टिस्ट समझते हो, या मोदी को तुम राइटिस्ट समझते हो, या मोदी को तुम हिंदू समझते हो, तो जाके वो विशाल की बुक पढ़ो। तो मेरे ख्याल से सबको वो बुक अपनी लाइब्रेरी में जरूर रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है। तो मैंने पढ़ा है विशाल भाई, आप एक काम कीजिए हाँ। कभी भी एक वीडियो जो है ना, वो केवल अपनी बुक के ऊपर रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगी है, और केवल उस बुक के ऊपर रख लीजिए आप। बिल्कुल रखेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं मेरे से कि उसका प्राइस ज्यादा है, तो देखिए प्राइस ज्यादा नहीं है, आपने तो अपने सारे जो भी, अगर हमें, मैं तो नहीं कर रहा कि हाँ मेरा कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, तो जितने आप डिस्काउंट देख रहे हैं वो डिस्काउंट मेरे साइड से है, कमल जी राइटर है तो उनको पता है कि जो नहीं, नहीं, ये, है, वो एक रुपए ये बात तो मैं बता देता हूँ। देखिए टेक्निकल बुक मैंने 2,500 की भी खरीदी है, और 2,500 की बुक जो मैंने खरीदी है टेक्निकल बुक, वो केवल 600 पेज की बुक है। विशाल भाई की जो बुक है, अगर ये केवल पैसे के हिसाब से सोचते तो इस किताब को काट के कम से इसमें से 4 किताबें बना लेते, और हर एक किताब को 500-500 रुपए की कर देते, और वो चारों किताबें बिकती, और इनके नाम के आगे टैग लग जाता कि ये 4 बुक के ऑथर है, और केवल इतना ही लिखना पड़ता जितना अभी लिखा है इन्होंने। बहुत मोटी बुक है वो, आप समझिए वो बुक जो है उसके रिसर्च में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत संसाधन लगे होंगे, बहुत एनर्जी लगी होगी, और वो बहुत मोटी बुक है। तो मैं तो इनसे बोलता ही हूँ कि आपने गलती की, इसको 4 बुक में तोड़ के और हर एक बुक का 500 रुपए प्राइस रखते,
और फिर एक तो पहले तो नाम के आगे ये हो जाता कि देखो इन्होंने चार किताबें लिखी है मोदी के ऊपर, दूसरा पैसे भी ज्यादा मिलते, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं मैं देखिए कमल जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरा ना अब क्या किसी के साथ ये करे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है काम वैसा करना चाहिए जो पहले खुद को सेटिस्फेक्शन दे कि मैं उस चीज से सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं। तो मुझे लगता था कि अगर कोई अगर इनके बारे में कंप्लीट ढूंढना चाहे तो कहां जाएगा, क्या वो चार चार बुक पढ़ेगा क्या ऐसा करेगा। फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया था कम से कम दो पार्ट में होना चाहिए, तो मैंने अब कह दिया कि अब ठीक है 100 लोग पढ़े चाहे 200 लोग पढ़े, अब हमने जो कर दिया सो कर दिया, चले तो भी ठीक ना चले तो भी ठीक, हमें अपने ऊपर सेटिस्फेक्शन है कि मतलब होता है ना कि अपने काम के ऊपर कि हमने ये काम किया इस तरीके से किया। तो बाकी जो लोग अगर रेट के लिए कंफ्यूज होंगे तो उनको तो कंफ्यूज एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, वो पढ़ेंगे तो शायद दो चैप्टर पढ़ने के बाद बता देंगे कि पूरे पूरे पैसे मतलब रेट बहुत रीजनेबल है मेरे ख्याल से, इतनी मोटी बुक का और इतनी इस तरह की बुक का रेट इससे कम तो नहीं हो सकता। पतली पतली लोगों की बुक है, मुझे पता है बेहतर 100-100 पेज की बुक है जिसके रेट 500-500 रखे हुए लोगों ने, मेरे तो दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने बुक पब्लिश की है। एक तो ऐसा दोस्त है जिसने 100 पेज की किताब लिखी और कम से कम 100 बार उसका बुक लॉन्च कर दिया है घूम घूम के, ठीक है तो ऐसे भी लोग हैं। नहीं वो ठीक है, हम कमल जी चर्चा करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया जी जी, उसका कोई मतलब अगर मैं शॉर्ट में लिखता तो फिर शायद उतना कोई मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं नहीं अच्छी बुक है आपकी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद जुड़ते रहिए, आपने बहुत ही बेबाकी से अपने जवाब दिए, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और हमने भी प्रयास किया है, मैं भी अपने आप को निष्पक्ष नहीं कहता, बस प्रयास कर सकते हैं कुछ करने का, तो हमने प्रयास किया, बहुत धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद भाई, नमस्कार। उसके बाद विकास पटेल जी का सवाल है, भाई कुछ कहो हमारा पार्टी बनाई गौ माता की जय। नहीं पार्टी पॉलिटिक्स के तो चक्कर में मत पड़िए, जो पार्टी है एग्जिस्टिंग उसी को ठीक कीजिए और नेताओं से सवाल पूछिए, फिलहाल यही कर सकते हैं और इसके ऊपर कभी हम चर्चा कर सकते हैं। रजत पांडे जी बहुत धन्यवाद। तो चलिए अंत में आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना तो खैर जारी रखें लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे अपना समय न बर्बाद करें, कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं वो भी अपना समय बर्बाद न करें, वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, वहां भी